हाय एवरीवन कैसे आप सभी लोग और इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं जावा का एक तड़कता भड़कता नया कोर्स इस दो घंटे की वीडियो के अंदर हम बेसिक इंस्टॉलेशन से लेकर पूरे पूरे के पूरे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को निपटा रहे होंगे एंड एंड उसके साथ साथ में हमने आपको नोट्स दे दिए ताकि जो आप अपनी रेफरेंस के लिए यूज कर सके तो आ गई आपकी माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है वो स्टूडेंट जो शायद कोडिंग प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में अभी शुरुआत कर रहे हैं या वो स्टूडेंट जो सी या पाइथन जैसी लैंग्वेज जानते हैं और अब

अब सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जावा में कोडिंग जावा में कोड करने से पहले हमें सबसे पहले अपने सिस्टम में एक से दो चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी इनमें से सबसे पहला है जावा डेवलपमेंट किट तो हम अपना ब्राउजर खोलेंगे और वहां पर जाकर टाइप करेंगे जे जे डी के डाउनलोड यहां पर जो पहला का लिंक आएगा वहां जाकर हमें ये जे के डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करना है नीचे स्क्रोल करके यहां पर हमें हमारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे तो अगर आप लिनक्स पर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करें आप विंडोज पर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करें हम अभी मैक पर हैं तो हम इस डीएमजी को डाउनलोड करने वाले हैं यहां एक्सेप्ट एंड डाउनलोड हमारा जेडी के डाउनलोड हो गया है तो अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे एंड ये ओपन हो रही है एंड इस पैकेज पर डबल क्लिक करके हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो जेडी के इंस्टॉलर में जाके हमें क्लिक करना है कंटिन्यू देन इंस्टॉल एंड देन हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड इसे कर देंगे क्लोज एंड देन कीप अब जो दूसरी चीज हमें डाउनलोड करनी है वो है एक एडिटर तो जैसे नोटबुक में हम नोट्स बनाते हैं वैसे ही सारे कोड हमें एक एडिटर के अंदर लिखने होते हैं हम जावा को इक्लिप्स नेटबीन्स जैसे बहुत सारे एडिटर्स पर लिख सकते हैं जिस एडिटर पर हम काम कर रहे होंगे उसका नाम है इंटेलीजे तो हम वापस से ब्राउजर पर जाएंगे एंड टाइप करेंगे इंटेलीजे डाउनलोड यहां पर jetbrains.com का जो पहला लिंक आएगा वहां पर जाकर हम क्लिक करेंगे एंड हम डाउनलोड करने वाले हैं कम्युनिटी वर्जन जो कि एक फ्री वर्जन है इसमें हम सिलेक्ट करेंगे डी एम जी फॉर एप्पल सिलिकॉन एम वन के लिए जो डाउनलोड हो रहा है अगर आप किसी और सिस्टम पर हैं तो अकॉर्डिंगली आप विंडोज एंड लिनक्स के हिसाब से अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं तो फाइनली हमारा इंटेलिजेंट डाउनलोड हो गया है इसको हम करेंगे ओपन एंड इसे ड्रैग करके डाल देंगे अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर एंड ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं अब हम सर्च करेंगे इंटेलिजे के लिए एंड उसे ओपन करेंगे तो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं और क्लिक करना है कंटिन्यू डोंट सेंड एंड फाइनली हमारा इंटेलिजे हमारे लिए खुल गया है अब इसमें शुरुआत करते हैं एक नया प्रोजेक्ट बनाकर तो हम न्यू प्रोजेक्ट वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे एंड नया प्रोजेक्ट हमारे लिए खुल जाएगा अब डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं मेवन ग्रेडल जावा इफेक्ट्स हमें जावा वाले ऑप्शन पर रहना है एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट एस के यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट वाले ऑप्शन में हमारे लिए 16 वर्जन ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा क्योंकि हमने जो जे के डाउनलोड किया था उसका वर्जन 16.0.1 था एडिशनल लाइब्रेरीज हमें नहीं चाहिए हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पर यहां पर हम क्लिक करेंगे इस चेकबॉक्स पर और इस चेकबॉक्स पर क्लिक करने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत जो सैंपल कोड है वो हमारे लिए ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा हमें शुरुआत से नहीं लिखना पड़ेगा तो दोबारा से क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देंगे ये यह यहाँ पर प्रोजेक्ट लोकेशन हमें दिख रही है एंड फिर पैकेज का नाम हम रख देंगे अपना कॉलेज अब ये पैकेज क्या है जावा में जो सारी रिलेटेड फाइल्स होती हैं वो एक पैकेज के अंदर स्टोर होती है जैसे एक लाइब्रेरी के अंदर हिस्ट्री वाले सेक्शन में सारी हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स होती हैं, वैसे ही सारा रिलेटेड कोड एक पैकेज के अंदर होता है अब गूगल को अपना कोई कोड लिखना है जावा के अंदर तो गूगल डॉट कॉम की जगह वो अपने पैकेज का नाम रख सकते हैं कॉम डॉट गूगल उसी तरीके से जेट ब्रेन जो इंटेलिजें की कंपनी है उनको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है जावा को यूज करके तो वो कॉम डॉट जेट ब्रेन नाम रख सकते हैं अपने पैकेज का और यहां पर हम अपने पैकेज का नाम रखने वाले हैं कॉम डॉट अपना कॉलेज एंड आप क्लिक कर देंगे फिनिश पर एंड फाइनली हमारा जो कोड है हमारे लिए खुल जाएगा हमारा पूरा का पूरा आई अब इस आई के अंदर कुछ टिप्स दिख रही है इन्हें हम क्लोज कर देंगे एंड हम जाएंगे इस मेन डॉट जावा नाम की चीज पर तो ये जितना भी कोड है ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड यानी सैंपल कोड है जो हमारे लिए शुरुआत से लिख कर आ गया है अब सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी फाइल्स जो हैं वो कहाँ स्टोर हो रही हैं स्क्रीन के लेफ्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ अपना कॉलेज नाम का एक फोल्डर हमें दिखेगा जिसके अंदर एक सोर्स फोल्डर है इस सोर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे तो हमें हमारा पैकेज दिख रहा है कॉम डॉट अपना कॉलेज एंड इसके अंदर दिख रही है हमें ये मेन नाम की चीज ये main actually हमारी फाइल है जो यहाँ क्रिएट हुई है जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं अब यहां पर इसे हम मिनिमाइज कर देंगे एंड बात करेंगे सिर्फ अपने मेन डॉट जावा के बारे में अब जावा में सबसे ऊपर लिखा होता है कि हम कौन से पैकेज के अंदर अपना कोड लिख रहे हैं तो ऊपर लिखा है पैकेज कॉम डॉट अपना कॉलेज अब उसके बाद आती है ये क्लास नाम की चीज जावा के अंदर सारा जो कोड होता है वो क्लासेस के अंदर लिखा होता है तो हमें कुछ वाले हैं तो क्लास में जैसे हम स्कूल में क्लासेस में जाते थे तो वहां पर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम क्लास में बैठते थे वैसे ही जावा का सारा का सारा कोड सेम क्लास के अंदर आता है एंड इस क्लास का नाम है यहाँ पर मेन और हमारी फाइल का नाम भी है मेन डॉट जावा तो सारी जावा फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा होता है अब इस मेन क्लास के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है जो दिखाता है कि ये एक फंक्शन है अब फंक्शन क्या होते हैं जावा के अंदर फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक होता है एक ऐसा पीस होता है कोड का जो कुछ काम कर रहा होता है जैसे अगर हम फोन का वॉल्यूम बटन ले तो उसको प्रेस करेंगे तो हमारे फोन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसी तरीके से जावा के अंदर फंक्शन होते हैं आप उनको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं उसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं एंड वो हमारे लिए वो काम हमें परफॉर्म करके देते हैं तो जावा के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होता है जब भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है रन हो रहा होता है उस फंक्शन को हम नाम देते हैं मेन फंक्शन अब फंक्शंस या मेथड्स के बारे में हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं तो तब हमें डिटेल में समझ आ रहा होगा कि मेन फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है और बाकी फंक्शंस हम खुद से कैसे लिख सकते हैं अब इस कोड के अंदर हम एक और चीज नोटिस करेंगे कि डबल स्लैश के बाद राइट योर कोड हेयर लिखा हुआ है अब ये क्या चीज है ये ग्रे में हाईलाइटेड जो भी चीज है इसका ये मतलब है कि ये कोड का पार्ट नहीं है यहां पर आप अपने हेल्प के लिए कुछ भी कॉमेंट लिख सकते हैं आप इंग्लिश में लिख सकते हैं हिंदी में लिख सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में एडिटर एक्सेप्ट कर ले आप वो चीज लिख सकते हैं मतलब यहां पर आप कुछ गलत लिख देंगे तो आपके कोड में एरर नहीं आएगा जैसे अगर हम यहां पर इसे एडिट करके लिख दें आर फर्स्ट प्रोग्राम तो आर फर्स्ट प्रोग्राम एक इंग्लिश की लाइन है ये जावा का पार्ट नहीं है बट इंग्लिश की लाइनें हम कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं तो so जितने भी कमेंट्स हम कोड के अंदर लिखेंगे उन्हें लिखेंगे डबल स्लैश की हेल्प से और अगर हमें अलग अलग लाइंस में कमेंट्स लिखने हैं तो स्टार स्टार स्लैश तो इस तरीके से हम लिखेंगे अपने कॉमेंट्स को अब कमेंट्स को हटाकर हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं अपने कोड की तरफ अपना फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं और फर्स्ट लाइन जो हम लिखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर वो वो लाइन है जो सारे के सारे कोड्स में शुरुआत में लिखी जाती है विच इज हेलो वर्ल्ड तो हम क्या करेंगे हम आउटपुट के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे अब इस स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है अब C++ के अंदर आउटपुट दिखाने के लिए हमें सी आउट जैसा छोटा सा शब्द लिखना पड़ता है पाइथन के अंदर प्रिंट लिखना पड़ता है लेकिन जावा के अंदर प्रिंट करने के लिए हमें एक लंबी सी लाइन लिखनी पड़ती है जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और प्रिंट एल एन खुद में एक फंक्शन है एक मेथड है अब मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो क्लासेस के अंदर लिखे जाते हैं तो इसके अंदर हमने पास कर दिया है वो वाली चीज जिसे हमें आउटपुट कराना है अब सिस्टम अपने आप में एक क्लास है और इस क्लास के अंदर हम फाइंड करते हैं ढूंढ के अपना प्रिंट एल नाम का एक फंक्शन इस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी पास कर देंगे वो प्रिंट हो जाएगा अब बात करते हैं कि बार बार हम ये सेमिकोलिन क्यों लगा रहे हैं अपने कोड के अंदर तो जैसे इंग्लिश के अंदर हर सेंटेंस खत्म होने के बाद हम एक डॉट लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि यहां पर हमारी लाइन खत्म हो गई है वैसे ही जावा के कोड के अंदर हम सेमी कोलिन लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि यहां पर हमारी लाइन खत्म हो गई है तो यहाँ पर हमारी पहली लाइन खत्म हो गई है अब देखते हैं कि वो कैसे प्रिंट होगा हम यहां पर इस ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे अपने कोड को रन करने के लिए एंड कोड हमारा रन हो गया एंड हमारे पास प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास की थी उसके साथ साथ प्रिंट हुए प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड जीरो तो जिस भी कोड में एरर नहीं आता वहां पर हमारा एग्जिट कोड होता है जीरो जब एरर आ जाता है तो एग्जिट कोड वन आ जाता है तो हेलो वर्ल्ड हमारे लिए प्रिंट हो गया है अब अगर हम इसको कर दें हेलो जावा एंड दोबारा रन क्लिक करें तो हमारे लिए जो नया आउटपुट प्रिंट हुआ है वो हुआ है हेलो जावा तो हमें जावा में अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इस प्रिंट एल एन के अलावा हम प्रिंट भी लिख सकते हैं और प्रिंट लिखेंगे तो अगर आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो आउटपुट सेम आया है बट आप एक डिफरेंस देखेंगे कि हेलो जावा के बाद अब एक लाइन नहीं है प्रिंट तो एल जब भी यूज करते हैं तो वो अपना आउटपुट प्रिंट कराने के बाद एक लाइन का स्पेस दे देता है तो टैब जब हमने दबाया तो एकदम से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हमारे लिए प्रिंट हो गया एंड हमें पूरी जो स्टेटमेंट है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब बात करते हैं हम वेरिएबल्स की तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा के अंदर जो भी डेटा हम मेमोरी में स्टोर कराना चाह रहे हैं टेम्परिरीली उसे हम वेरिएबल्स की फॉर्म में स्टोर कराते हैं जैसे अगर हमें किसी नाम को स्टोर कराना है मेमरी के अंदर या कोड के अंदर लिखना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अमन तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को हमने नाम दिया है नेम तो इस वेरिएबल का नाम है नेम और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे हम कहेंगे अमन तो ये नेम कंप्यूटर की मेमोरी में किसी लोकेशन के पास है मतलब उस पर पॉइंट कर रहे जैसे हमें एक और नाम स्टोर कराना है तो उसको कैसे स्टोर कराएंगे हम दोबारा से लिखेंगे स्ट्रिंग क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का नाम है और इसे नाम दे देंगे हम नेबर नेबर में हम स्टोर करा देंगे अकूर तो अब क्या हुआ हमारी मेमोरी के अंदर एक और लोकेशन बन गई इस लोकेशन का नाम नेबर है इस लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसका नाम है अकु। तो ये हमने दो स्ट्रिंग दो नाम स्टोर करा दिए उसके अलावा मान लेते हैं कि हमें एज भी स्टोर करानी है तो उसको कैसे स्टोर कराएंगे हम यहां पर लिखेंगे इंट एज इज इक्वल टू थर्टी तो क्या हुआ मेमोरी के अंदर अब एक इंटीजर टाइप की मेमोरी लोकेशन आ गई है जिसका नाम हमने दे दिया है एज इस लोकेशन के अंदर स्टोर्ड है हमारी वैल्यू विच इज 30. तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं अपनी मेमोरी लोकेशन के अंदर और ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू हम एक दूसरे को दे भी सकते हैं बट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सिर्फ स्ट्रिंग में एक्सचेंज होगी उसी तरीके से नंबर्स की वैल्यू सिर्फ नंबर्स के पास जा सकती है तो जैसे अगर हमें एक और नया वेरिएबल बनाना है जिसे हम नाम दे देते हैं फ्रेंड तो फ्रेंड में हम सेम स्ट्रिंग असाइन करेंगे विच इज अकू तो हमारी मेमोरी के अंदर एक और लोकेशन बन गई जिसका नाम है फ्रेंड जिसके अंदर अकू स्टोर्ड है बट हम ध्यान से देखें तो अकू हमने पहले एक वेरिएबल बनाया हुआ है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अकू दोबारा हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे नेबर तो क्या हुआ उस लोकेशन के अंदर जहां पर फ्रेंड था में पहले खाली स्ट्रिंग थी और अब वहाँ पर नेबर आ, मतलब आ गया तो मतलब वहां पर इनडायरेक्टली आकर अकू ही स्टोर हुआ है तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो हम दूसरे वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं दे सकते हैं अब बात करते हैं जावा के अंदर टाइप्स की टाइप्स हमें बताते हैं कि हम जो भी वेरिएबल बना रहे हैं वो किस टाइप का है क्या वो एक नाम है क्या वो एक कैरेक्टर है या फिर एक नंबर है अब ऐसे ही जावा के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं इनमें से सबसे पहले आ जाते हैं प्रिमिटिव टाइप्स प्रिमिटिव टाइप्स मतलब जिसमें हम सिंपल वैल्यू स्टोर करने वाले हैं एंड दूसरे आ जाते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस टाइप्स इनमें हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को स्टोर करते हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिमेटिव टाइप्स की यानी सिंपल वैल्यूज की अब बात करें कि प्रिमेटिव टाइप्स कौन कौन से होते हैं इनमें से सबसे पहला होता है बाइट बाइट हमारा लेता है एक बाइट की मेमोरी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर तो इसमें जो नंबर स्टोर हो सकते हैं वो होते हैं माइनस वन ट्वेंटी एट से हम वन ट्वेंटी सेवन तक जो नंबर्स हैं वो सारे बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं ऐसे ही इसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट तो शॉर्ट लेता है दो बाइट्स की मेमोरी उसके बाद आता है हमारे पास इंट इंट लेता है चार बाइट्स की मेमोरी फिर आता है लॉन्ग लॉन्ग लेता है आठ बाइट्स की मेमोरी एंड सो ऑन इसी तरीके से फ्लोट आता है फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराते हैं जो चार बाइट्स की मेमोरी लेता है एंड इसके साथ साथ हम लिखेंगे डबल डबल लेता है आठ बाइट्स की मेमोरी एंड उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की तो कैरेक्टर हमारे कैर नाम से हम लिखते हैं और ये लेते हैं हमारी दो बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड फाइनली हमारा बुलियन बुलियन यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स जैसे कि येस yes या नो no जैसे आंसर्स के लिए हम बुलियन को यूज करेंगे तो बुलियन के अंदर दो ही टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है या तो ट्रू या फॉल्स तो ये लेता है हमारा एक बाइट यानी ऑन या ऑफ तो इसमें हम स्टोर कराते हैं ट्रू एंड फॉल्स कैरेक्टर हमारे नॉर्मल इंग्लिश के कैरेक्टर्स जैसे हैं जिसके अंदर हम ए बी सी डी स्टोर करा रहे होते हैं फ्लोट हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे पाई का हमने 3.14 स्टोर करा दिया वैसे ही इंट के अंदर हम इंटीजर स्टोर करा रहे होते हैं एंड इसी तरीके से अलग अलग हमारे टाइप्स के अंदर हम अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करा रहे होते हैं अब इन सारे टाइप्स की एक रेंज होती है और इस रेंज के बाहर अगर हम लंबे नंबर्स इनमें स्टोर कराने की कोशिश करेंगे इनकी कैपेसिटी के बाहर वाले तो हमारे पास एक एरर आ सकता है इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कौन से नंबर हम कौन से टाइप के साथ स्टोर करा रहे हैं इसके साथ अब एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे अगर हम बाइट टाइप का एक वेरिएबल बनाएं इस वेरिएबल को नाम देते हैं एज तो इस एज के अंदर हम थर्टी जो है वो स्टोर कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है बाइट और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है थर्टी अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं इंट टाइप के वेरिएबल का इसे नाम दे देते हैं फोन फोन के अंदर कुछ फोन नंबर हम स्टोर कराते हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन जीरो तो नंबर हमने स्टोर करा लिया लेकिन अगर हम यहां पर एक और जीरो लगा दें तो ये रेड लाइन अपेयर करती है मतलब बाहर निकल रहा है तो इसे हम स्टोर नहीं करा सकते अगर इसी नंबर को हमें स्टोर कराना पड़ेगा तो हम स्टोर कराएंगे लॉन्ग के अंदर तो लॉन्ग फोन टू और यहां पर लिखेंगे हम वो नंबर अब अभी भी जो ये रेड लाइन आ रही है इससे बचने के लिए हम यहां लगा देंगे कैपिटल एल तो क्या हुआ जावा को पता चल गया कि हम ये नॉर्मल इंटीजर नहीं स्टोर करा रहे हम लॉन्ग टाइप का नंबर स्टोर करा रहे हैं उसी तरीके से अगर हम एक फ्लोट वैल्यू लिखना चाहें जिसे हम नाम दे देते हैं पाई तो पाई में हम वैल्यू स्टोर कराएंगे थ्री पर अभी एक रेड लाइन आ रही है अब जावा जो है वो इस नंबर को इंटीजर एज्यूम कर रहा है इसीलिए एरर दे रहा है अब उसे पता कैसे चले कि ये फ्लोट है इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे कैपिटल एफ हम स्मॉल एफ भी लिख सकते थे लेकिन कैपिटल एफ से थोड़ी डिस्टिंक्शन ज्यादा हो जाती है इसीलिए इंटीजर के अलावा जब हम बाकी नंबर्स लिख रहे होते हैं जैसे हमने लॉन्ग में लिखा या फ्लोट में लिखा तो हम वहां पर कैपिटल एफ या कैपिटल एल लिख देते हैं ताकि जावा को पता चल जाए कि वो लॉन्ग या फ्लोट टाइप का एक नंबर है अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कैरेक्टर का कैरेक्टर में हम लिखते हैं एक लेटर लेटर के अंदर हम स्टोर करा देंगे ए या फिर इस ए के अलावा हम एट द रेट भी स्टोर करा सकते हैं तो कोई भी कैरेक्टर हम लेटर के अंदर स्टोर करा सकते हैं और मेमोरी में वो ले रहा होगा हमारे लिए दो बाइट्स अब इसके बाद बात करते हैं बुलियन की तो बुलियन में हम स्टोर कराते हैं इज एडल्ट तो अगर कोई एटीन प्लस है या नहीं तो उसके लिए हम स्टोर करा देते हैं ट्रू क्योंकि हमारी एज है थर्टी तो इसीलिए हमने स्टोर स्टोर करा करा दिया ट्रू हम हम अगर अपनी एज को चेंज करके कर दें 12 तो तो पर फॉल्स फॉल्स भी स्टोर करा सकते हैं तो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा तो इस तरीके से बुलियन के अंदर हम ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यूज दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी क्या कंडीशन है अब बात करें अगर नॉन प्रिमेटिव टाइप्स की तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग को तो लिखते हैं नॉन प्रिमेटिव टाइप्स एंड टाइप्स के अंदर हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग तो जब बहुत सारे लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बन जाता है और बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर एक लाइन बन जाती है तो इस तरीके के जो भी हमारी वैल्यूज होती है उनको हम स्टोर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर तो स्ट्रिंग को हम टाइप दे देंगे स्ट्रिंग लिखेंगे नेम एंड नेम में हम लिख देंगे अमन तो इस तरीके से हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसका टाइप है स्ट्रिंग और उसमें हमने स्टोर करा दी है वैल्यू अमन अब जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनमें पहला डिफरेंस ये है कि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर अपने ही कुछ अलग अलग फंक्शन होते हैं अपने ही कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उनके ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर उनसे कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमेटिव टाइप है तो हम क्या कर सकते हैं इस स्ट्रिंग की हम लेंथ निकाल सकते हैं देखते हैं कैसे हम टाइप करेंगे साउट एंड देन टैब प्रेस करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हमारे लिए आ जाएगा अब हम क्या प्रिंट करने वाले हैं हम प्रिंट करने वाले हैं नेम डॉट लेंथ अब लेंथ एक पूरा मेथड या एक फंक्शन है नेम के लिए तो नेम डॉट जब ये हमने टाइप किया तो हमारे लिए नेम नाम के वेरिएबल की लेंथ प्रिंट हो जाएगी इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली प्रिंट क्या होगा तो हमारे लिए प्रिंट हुआ है फोर और अगर हम नेम के अंदर स्टोर्ड वैल्यू देखें तो उसके अंदर भी हमारे चार कैरेक्टर्स हैं तो अगर हम यहां पर अमन की जगह कर दें अपू एंड इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास आउटपुट आएगा थ्री तो इस तरीके से नॉन प्रिमेटिव टाइप का हमने एक फंक्शन यूज किया इस फंक्शन का नाम है लेंथ फंक्शन एंड लेंथ को हमने डॉट ऑपरेटर यानी डॉट लगाकर कॉल किया अब primitive और नॉन प्रिमेटिव टाइप्स के अंदर एक और डिफरेंस ये होता है कि प्रिमेटिव टाइप्स की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है मतलब उनकी जो कैपेसिटी है वो फिक्स है बाइट के अंदर आप माइनस वन ट्वेंटी एट से वन ट्वेंटी सेवन की रेंज तक ही नंबर स्टोर कर सकते हैं उसके ऊपर या उससे नीचे आप जाएंगे तो हमारे लिए एरर आएगा बट अगर हम स्ट्रिंग की बात करें जो कि एक नॉन प्रिमेटिव यानी रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है इसके अंदर हम कितने भी कैरेक्टर्स को स्टोर कर दें हमारे लिए एरर नहीं आ रहा होगा जब तक हम ऑब्वियसली हमारी मेमोरी को एक्सीड नहीं कर पाते क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड साइज नहीं है ये वेरिएबल साइज के होते हैं उसके अलावा एक और हमारा डिफरेंस आ जाता है वो ये कि नॉन प्रिमेटिव टाइप्स को हमें न्यू कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करना होता है अब बात करते हैं न्यू कीवर्ड की तो जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी होती है उसके अंदर बहुत सारे हमारे वर्ड स्टोर होते हैं और हर वर्ड का मतलब फिक्स्ड होता है वैसे ही जावा की अपनी एक डिक्शनरी है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं।, हैं और इनके जो मतलब है वो ऐसा तो ही हम थोड़ा आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी अभी के लिए ये सोचते हैं कि जब भी हमें नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस टाइप्स क्रिएट करने होंगे तो हम उनको क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड की हेल्प से तो जैसे यहां पर हमने स्ट्रिंग इक्वल टू अपू लिखा था उसकी जगह हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से लिखते तो हम लिखते न्यू स्ट्रिंग में हम पास कर देते अपू वैसे ही अगर हमें एक और डिफाइन करना है फ्रेंड तो हम लिखते न्यू स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग में हम पास करते अपू तो इस तरीके से हमारे पास नई स्ट्रिंग बन गई फ्रेंड की नई स्ट्रिंग बन गई नेम की अब आप बोलेंगे कि यहां पर हमने नए स्ट्रिंग का जब यूज नहीं किया न्यू स्ट्रिंग का यूज नहीं किया

अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेनेट कॉन्टेनेट यानी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना अब जैसे हमारे पास पहली स्ट्रिंग है नेम वन जिसे नाम दे देते हैं अमन एंड दूसरी स्ट्रिंग है नेम टू जिसे नाम दे देते हैं अकू तो स्ट्रिंग नेम थ्री अगर हमें बनाना है तो हम लिख सकते हैं नेम वन प्लस नेम टू एंड एस आउट टैब में अगर हम प्रिंट करेंगे नेम थ्री को तो इसे रन करके देखते हैं कि हमारे लिए आउटपुट क्या आएगा तो हमारे लिए आउटपुट आया दोनों स्ट्रिंग्स का कॉन्कैटिनेशन यानी दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया है इस प्लस ने अब अगर हमें बीच में लगाना होता एक और स्ट्रिंग जिसे नाम दे देते हैं एंड तो यहां पर हम एंड लिख देते हैं और उसके आगे एंड पीछे हम प्लस को लगा देते हैं दोबारा से रन करेंगे तो हमारे लिए जो आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा अमन एंड अकू इसमें हम दे देते हैं थोड़ी सी स्पेस तो अच्छे से हमारे लिए अमन एंड अकू प्रिंट हो गया है स्पेस के साथ। अब दूसरा जो फंक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कैर एट अगर हम मान ले कि हमारे पास स्ट्रिंग है हमारा नाम जो हम लिख रहे हैं और उसके अंदर हमें देखना है कि कैरेक्टर कौन सा प्रेजेंट है किसी भी पोजिशन पर तो हम क्या करेंगे आउट करते हैं और नेम डॉट

दूसरे की बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट पोजीशन पर है तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो सेकंड पोजीशन पर है तो अगर हमें पहली पोजीशन पर कैरेक्टर को देखना है तो हम लिखेंगे जीरो एंड इस कोड को हम रन करके देखते हैं तो हमारे लिए प्रिंट हो गया कैरेक्टर ए ऐसे ही अगर हम वन प्रिंट करें और रन करें तो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा हमारा कैरेक्टर एम तो इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग पोजीशंस पर जाकर हम देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर स्टोर्ड है तो बात करते हैं लेंथ की जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है लेंथ के लिए यहां पर हमें लिखना पड़ेगा नेम डॉट लेंथ एंड जब हम ये लिखेंगे एंड इसे रन करेंगे तो हमारे लिए हमारी लेंथ यानी कि फोर जो है वो प्रिंट हो जाएगा अब लेंथ के बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन की जिसका नाम है रिप्लेस रिप्लेस से क्या होगा हमारी स्ट्रिंग के अंदर जहां पर भी कोई एक कैरेक्टर जो है अकर करता है उसको हम रिप्लेस करके किसी और कैरेक्टर को वहां पर डाल सकते हैं जैसे अगर हमारी स्ट्रिंग है अमन तो हम क्या करेंगे नेम डॉट रिप्लेस कॉल कर देंगे और जहां पर भी ए हारा होगा इस स्ट्रिंग के अंदर उसे हम रिप्लेस कर देंगे बी से एंड क्या करेंगे इस स्ट्रिंग को एंड इसका जो आउटपुट होगा इसे हम स्टोर करा लेंगे एक नई स्ट्रिंग नेम टू के अंदर एंड हम प्रिंट कर देंगे हमारे नेम टू को तो इस कोड को रन करके देखें तो आउटपुट हमारे लिए आया है ए एम बी एन तो हमारा जितना भी ए अकर करता था, मतलब स्मॉल ए जब भी आया अमन के अंदर उसको हमने रिप्लेस कर दिया है स्मॉल बी के साथ नेम डॉट रिप्लेस जो फंक्शन है ये उसी स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं करता मतलब अगर हम अपने कोड के अंदर प्रिंट कराएं नेम को एंड रन करें कोड को तो हम देखेंगे कि हमारे आउटपुट में हमें अमन ही मिला है तो मतलब हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ हमें एक नई स्ट्रिंग मिली है जिसमें हमारे सारे चेंजेस हुए हैं तो जावा के अंदर स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होती हैं मतलब जावा के अंदर एक बार आपने स्ट्रिंग बना दी तो उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपको उसके अंदर चेंज करना है तो आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी तो अमन हमने एक बार अगर स्ट्रिंग बना दी और वो नेम के अंदर स्टोर कर दी तो इस स्ट्रिंग के अंदर कभी चेंजेस नहीं हो सकते हमें कोई चेंज करना है तो वो हमने चेंज किया और उसे एक नए वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कराया अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है सब स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग यानी एक बड़ी सी हमारे पास स्ट्रिंग है इसका हमें कोई छोटा पार्ट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे तो बात करते हैं सबस्ट्रिंग की ले लेते हैं कोई एक नेम जो है अमन एंड अकू अब इस स्ट्रिंग के अंदर से सिर्फ हमें अमन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे नेम डॉट सब स्ट्रिंग और हमें चाहिए पोजिशन जीरो से लेकर वन टू थ्री यानी थ्री तक पोजिशन बट ये जो सबस्ट्रिंग मेथड है इसके अंदर जो पहला इंडेक्स हम पास करते हैं वो तो इंक्लूड होता है हमारी सबस्ट्रिंग के अंदर जो दूसरा इंडेक्स पास करते हैं मतलब आखिरी इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं होता तो अगर हमें थर्ड पोजिशन तक हमारी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स चाहिए तो हमें यहां देना पड़ेगा फोर क्योंकि फोर इंक्लूड नहीं होगा थर्ड तक हमारे पास सबस्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी तो अगर हम इसे रन करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा अमन तो इस तरीके से अगर हमें सिर्फ एंड चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट पोजिशन जो होगी वो होगी जीरो तो पोजिशन हमारे लिए होगी फाइव हमें चाहिए तीन कैरेक्टर्स तो सिक्स सेवन एंड एट तो हम नाइन यहां पर रख देंगे क्योंकि नाइन इंक्लूड नहीं होगा एंड इसे रन करेंगे तो हमारे पास एंड जो है वो प्रिंट हो जाएगा तो इस तरीके से सबस्ट्रिंग मेथड को भी हमने यूज कर लिया है और ये जो सबस्ट्रिंग मेथड है मतलब नेम डॉट सबस्ट्रिंग जब हम लगाएंगे तो हम उसी स्ट्रिंग को काट नहीं रहे हैं हम क्या कर रहे हैं उस स्ट्रिंग का एक छोटा हिस्सा रिटर्न कर रहे हैं और उससे एक नई स्ट्रिंग बन रही है क्योंकि स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल होती हैं जावा के अंदर तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें हमेशा याद रखना है अगर हम आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स करेंगे जावा के अंदर तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं अब बात करते हैं एरेज़ की तो जैसे अगर हमें जावा के अंदर मान लेते हैं एज स्टोर करानी है तो उसको हम कैसे स्टोर कराएंगे उसके लिए हम लिखेंगे इंड एज इज़ इक्वल टू थर्टी लेकिन मान लेते हैं कि हमें किसी स्टूडेंट के लिए उसके मार्क्स स्टोर, मार्क स्टोर कराने हैं जैसे हमें मार्क्स स्टोर कराने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के तो उसे हम कैसे स्टोर कराएंगे एक तरीका ये हो सकता है कि पहले हम लिखें फिजिक्स फिर लिखें केमिस्ट्री फिर, फिर लिखें हम इंग्लिश पर अभी सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स हैं लेकिन मान लें कि अगर दस सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है या फिर बीस पढ़ रहा है क्योंकि कॉलेज के टाइम पर हर सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं तो उसके लिए तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स लिखने पड़ जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है एक ऐसे टूल की जरूरत है जिससे हम लिस्ट बना सकें हमें एक एक को जाकर इंडिविजुअल नाम ना देना पड़े तो जावा के अंदर इन्हीं लिस्ट को हम कह देते हैं एरेज तो एरेज हमारे बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं हम इंटीजर वैल्यूज के भी एरेज बना सकते हैं स्ट्रिंग्स के भी एरेज बना सकते हैं कैरेक्टर्स के भी एरेज बना सकते हैं इवन बुलियन वैल्यूज के भी एरेज बना सकते हैं तो देखते हैं कि हम मार्क्स का एरे कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे इंट एंड देन लगा देंगे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स तो जब भी जावा के अंदर हमें एक एरे बनाना होता है तो हम वहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं वो टाइप जिस टाइप का डेटा उस एरे में स्टोर होने वाला है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स ये दिखाने के लिए कि ये एक लिस्ट है ये एक एरे है एंड फिर हम दे देंगे अपने एरे को कोई नाम जैसे अपने मार्क्स के लिए हमने दे दिया मार्क्स नाम एंड हमने पहली बात की थी कि प्रमेटिव और नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं तो एरेज हमारे नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स हैं यानी हमें यूज़ करना है न्यू कीवर्ड को तो हम लिखेंगे न्यू एंड उसके बाद लिख देंगे इंट क्योंकि हमें इंट टाइप के नए कुछ मेमोरी लोकेशंस चाहिए और कितने चाहिए हमें तीन सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमें तीन मेमोरी लोकेशंस चाहिए जिसमें हम इंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करा सकें तो इस तरीके से हमने अपना एक मार्क्स नाम का एरे जो है वो डिक्लेयर कर लिया है अब इस एरे में स्टोर करते हैं हमारे सारे मार्क्स की वैल्यूज़ को तो सबसे पहले मार्क्स जीरो यानी फर्स्ट पोजीशन पर हम स्टोर करेंगे फिजिक्स के मार्क्स तो इसको हम असाइन कर देंगे वैल्यू 97। उसके बाद मार्क्स वन यानी सेकंड पोजीशन पर हम स्टोर कर देंगे 98 यानी केमिस्ट्री के मार्क्स एंड देन मार्क्स टू यानी कि थर्ड पोजीशन पर हम स्टोर कर देंगे इंग्लिश के मार्क्स विच इज़ 95 फाइव तो इस तरीके से एक सिंगल वेरिएबल मार्क्स वेरिएबल को यूज़ करके हमने तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर लिए हैं एंड अब इन सब्जेक्ट्स को हम यूज़ कैसे करेंगे मान लेते हैं हमें मार्क्स को कराना है प्रिंट तो हम क्या करेंगे मार्क्स प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या आता है ऊपर जब रन पर क्लिक करेंगे और अब अगर इस आउटपुट को ध्यान से देखें तो ये तो वो मार्क्स नहीं है जो हमने स्टोर किए थे तो अगर हम मार्क्स को प्रिंट कराते हैं तो हमारे लिए हमारे मार्क्स प्रिंट नहीं होने वाले ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जावा के अंदर अगर हम एरे वेरिएबल को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो हमारा पूरा एरे प्रिंट नहीं होता हमारे लिए ऐसी कोई जार्गन प्रिंट होती है जो क्लास नेम और हैश कोड को मिलकर बनती है पर वो चीज़ अभी हमारे काम की नहीं है तो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे याद ये रखना है कि वेरिएबल का नाम जब हम लिख रहे हैं तो हमारा एरे प्रिंट नहीं होगा तो एरे की वैल्यूज को प्रिंट कैसे कराएं उसके लिए हमें यूज़ करना है वही स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर को तो क्या करेंगे अगर फिजिक्स के मार्क्स प्रिंट करवाने हैं तो जीरो पोजीशन पर जाकर हम रन क्लिक कर देंगे और हमारे लिए प्रिंट हो जाएंगे हमारे फिजिक्स के मार्क्स सिमिलरली अगर हम फर्स्ट पोजीशन पर जाएं तो प्रिंट हो जाएंगे हमारे केमिस्ट्री के मार्क्स एंड अगर हम सेकेंड पोजिशन पर जाएँ तो प्रिंट हो जाएंगे हमारे इंग्लिश के मार्क्स तो इस तरीके से हम जावा के अंदर एरेज में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं यानी ढूंढ सकते हैं अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं जावा के अंदर वो है इनिशियलाइजेशन अब C++ जैसी लैंग्वेज में अगर आप कोई भी वेरिएबल बना देंगे पर उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा उन वेरिएबल्स के अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी लेकिन जावा के अंदर अगर आप वेरिएबल्स बनाते हैं और उसको कोई वैल्यू नहीं देते तो वो इनिशलाइज होता है नल के साथ या फिर वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी जीरो वैल्यूज आ जाती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर मार्क्स एरे बनाते हैं पर मार्क्स को हम इनिशियलाइज नहीं करते मतलब कोई वैल्यू नहीं देते तो हम यहाँ पर इसे कर देंगे कॉमेंट आउट मतलब ये चीज अब कोड का पार्ट नहीं है और अब प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे मार्क्स टू को तो अब देखते हैं क्या होता है अगर हमने रन को क्लिक किया तो हमारे लिए प्रिंट हुआ जीरो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे था और इसे हमने कोई वैल्यू नहीं दी मतलब इनिशियलाइज नहीं किया तो ये अपने आप इनिशियलाइज हो गया जीरो वैल्यू लेकर अगर ये एरे जो है वो इंट टाइप का नहीं होता बुलियन टाइप का होता तो हम दोनों तरफ लिख देते हैं हमारे एरे में बुलियन और अब इसे हम रन करके देखें तो हमारे लिए प्रिंट होगा मार्क्स टू पर फॉल्स तो सारी जो नल बुलियन के लिए फॉल्स इंट के लिए जीरो वैल्यूज है इनसे हमारे एरेज इनिशियलाइज होंगे एंड इवन प्रिमिटिव टाइप के जो वेरिएबल्स हैं अगर हम उनको वैल्यू नहीं देंगे तो वो भी इन्हीं नल वैल्यूज इन्हीं एम वैल्यूज से इनिशलाइज होते हैं जावा के अंदर अब बात करते हैं इसके बाद एरेज के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की इनमें से सबसे पहला फंक्शन है लेंथ तो अगर हमें किसी एरे की किसी लिस्ट की लेंथ चाहिए तो वो हमें मिल सकती है उसके साथ के साथ हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सॉर्ट तो अगर हमें किसी लिस्ट को सॉर्ट करना है यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है तो उसके लिए भी हमारे पास जावा के अंदर एक आसान फंक्शन है जिसे हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं तो कंट्रोल जेड हम कर देते हैं और वापस ले आते हैं अपने शुरुआत वाले कोड को तो हमारे पास है हमारा मार्क्स एरे अब मान लेते हैं इस मार्क्स एरे की हमें प्रिंट करवानी है लेंथ तो उसे प्रिंट करवाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे लिखेंगे मार्क्स एंड डॉट लेंथ पर यहाँ पर हम फंक्शन वाले पेरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो जैसे हमने स्ट्रिंग्स में डॉट लेंथ और फिर फंक्शन कॉल किया था एरेज के अंदर ये फंक्शन नहीं होता ये एरेज की अपनी प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टीज को हम फंक्शन की तरह पेरेंथेसिस लगाकर कॉल नहीं करते उन्हें हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं तो डॉट लेंथ जब हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में थ्री क्योंकि हमने तीन सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर किया है अब हम कराएंगे एरे को सॉर्ट तो एरे को सॉर्ट कराने के लिए हमें सबसे पहले एक एरेज क्लास के बारे में बात करनी पड़ेगी एरेज एरेज की क्लास होती है जिसके अंदर एक फंक्शन होता है डॉट सॉर्ट करके इस फंक्शन को हम दे देंगे अपना एरे और ये फंक्शन हमें एरे को सॉर्ट करके हम एक सॉर्टेड यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें हमारा एरे जो है वो वापस दे देगा अब इसे कॉल करने के लिए हम कोड लिखते हैं एरेज है इस क्लास का नाम और बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर हम जो है बाय कन्वेंशन सारे के सारे क्लासेस के नाम अपर केस से देते हैं यानी पहला लेटर मोस्टली कैपिटल ही रखा जाता है क्लासेस के लिए अब एरेज में शॉर्ट नाम का एक फंक्शन हमने कॉल कर दिया डॉट शॉर्ट लिख के उसके अंदर हम पास कर देंगे अपना मार्क्स एरे तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एरेज क्लास चाहिए और यहाँ पर एरेज जो है रेड कलर में आ रहा है क्योंकि इसके अंदर एक एरर है कि हमें जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज ये एक पैकेज है जिसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा एरेज को इंक्लूड करने के लिए तो हम ऊपर जाएंगे अपने कोड के अंदर एंड हमारा पैकेज तो हमने लिखा ही हुआ है उसके अलावा हम इम्पोर्ट कर देंगे जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज नाम का एक और पैकेज तो इस तरीके से हम जावा के अंदर पैकेजेस जो हैं तो मान लेते हैं दूसरे कोई पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर एक ऐसी क्लास या एक ऐसा फंक्शन है जिसे हमें यूज़ करना है तो उसको हम अपने कोड के अंदर इस तरीके से इंक्लूड कर रहे होंगे इंक्लूड कर रहे होंगे मतलब इम्पोर्ट कर रहे होंगे इम्पोर्ट करना मतलब किसी चीज़ को कहीं से लेकर आना तो यहाँ पर हम अपने पैकेज को इम्पोर्ट करके लेकर आए एंड यहाँ पर हमने एरेज डॉट सॉर्ट को कॉल कर लिया अपने मार्क्स को अंदर पास करके अब सॉर्ट करने से पहले अगर हम प्रिंट करवाते मार्क्स ऑफ ज़ीरो एंड सॉर्ट करने के बाद अगर हम प्रिंट करवाएं मार्क्स ऑफ ज़ीरो तो डिफरेंस देखते हैं इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं डबल स्लैश से एंड रन करते हैं अपने कोड को तो ध्यान से देखें तो सॉर्ट करने से पहले हमारे लिए प्रिंट हुआ 97 अपने मार्क्स अगर देखें तो शुरुआत में हमने 97 दिया था जीरो इंडेक्स को लेकिन सॉर्ट कर दिया मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें इन मार्क्स को तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 95 उसके बाद आएगा 97 एंड उसके बाद आएगा 98. तो so, सॉर्टेड में 95 सबसे पहले था और सॉर्ट करने के बाद जब हमने प्रिंट करवाया तो हमारे लिए 95 प्रिंट हो गया है तो मतलब हमारा जो एरे है वो सॉर्ट होकर आ गया है एरेस क्लास के एक फंक्शन की हेल्प से अब एरेस के अंदर अगर हमें ऑलरेडी पता हो कि क्या क्या एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं तो हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जैसे स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते टाइम अगर हमें ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग के अंदर स्टोर क्या कराना है तो न्यू कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते डायरेक्टली इक्वल टू की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं वैसे ही एरे के अंदर देखते हैं कि अगर ऑलरेडी हमें एलिमेंट्स पता है तो एरे को हम कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे इंट एरे ऑफ मार्क्स और मार्क्स में हम असाइन कर देंगे नाइन्टी सेवन एंड नाइन्टी तो हमारे पास कोई रेडलाइन नहीं आई कोई एरर नहीं आया एडिटर के अंदर मतलब अगर हमें मार्क्स पता है कितने सब्जेक्ट्स के बताने हैं वो भी पता है तो हम एरे को डायरेक्टली इस तरीके से इनिशलाइज़ कर सकते हैं इन करली ब्रेसेस की हेल्प से अब मान लेते हैं कि हमें दो स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने तो या तो हम एक और एरे क्रिएट करें उसके अंदर भी हम फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश के मार्क्स स्टोर कराएं या फिर हम क्या कर सकते हैं इसी एरे के अंदर दूसरे स्टूडेंट के भी मार्क्स स्टोर करा सकते हैं पर हम ट्रैक कैसे करेंगे कि कौन से मार्क्स कौन से स्टूडेंट्स के हैं उसके लिए हम कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टू डी तो अभी तक जिन एरेज की हमने बात की थी वो वन डायमेंशन में चल रहे थी लेकिन टू डी एरेज हमारी दो डायमेंशन में चलते हैं तो जैसे मैथ्स में हम मेट्रिक्स पढ़ा करते थे अब टू डी एरेज मैथ्स के मेट्रिक्स जैसे ही होते हैं अब लिख देखते हैं कि टू डी एरेज का हम यूज़ कैसे करेंगे तो जैसे वन डायमेंशनल एरे के लिए हमने सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था वैसे ही अगर हमें टू डी एरे बनाना है तो हम दो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे तो इसे हम नाम दे देते हैं फाइनल मार्क्स फाइनल मार्क्स नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है जो एक टू डी एरे है इसके अंदर हम इनिशलाइज करेंगे दो स्टूडेंट्स के मार्क्स तो इस तरीके से कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लगा लिए हैं पहले स्टूडेंट के मार्क्स हम लिख लेते हैं नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी फाइव दूसरे स्टूडेंट के हम मार्क्स लिख लेते हैं 95, 95 एंड 98। तो इस तरीके से दो स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स जो हैं वो लिख लिए अपने टू डी एरे के अंदर अब इसे एक्सेस कैसे करेंगे तो इसके लिए हम प्रिंट करवा देंगे सबसे पहले फाइनल मार्क्स फाइनल मार्क्स में जाएंगे फर्स्ट स्टूडेंट पर यानी जरूरत इंडेक्स पर उसके भी फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स यानी फिर से ज़रूरत इंडेक्स तो अब इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास तो हमारे पास आया 97 यानी फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स ये थे जिसके अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास थे 97 ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट के अगर सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स हमें प्रिंट करवाने हैं तो यहाँ पर इंडेक्स में आ जाएगा वन एंड सेकंड भी वन एंड इसके बाद अगर रन करें अपने कोड को तो हमारे पास आउटपुट चेंज होकर आ गया है नाइन्टी तो हमारे सेकेंड स्टूडेंट के सेकेंड सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो है नाइन्टी फाइव तो इस तरीके से हम सेम टाइप की जो इंफॉर्मेशन है जिसमें सेम लेंथ यूज़ हो रही है जैसे मार्क्स में हमें तीन ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने थे तो हम वो सेम एरे में सेम डेटा स्ट्रक्चर में कर सकते हैं टू डी एरेज की हेल्प से अब बात करते हैं जावा के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है कास्टिंग कास्टिंग क्या होती है जावा के अंदर कास्टिंग होता है एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना अब कास्टिंग हमारी दो तरह की हो सकती है ये या या तो हो हो सकती है या हो सकती है है एक्सप्लिसिट अब कास्टिंग को समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से जैसे अगर हमारे पास एक छोटा पानी का ग्लास है और हमारे पास एक बाल्टी है जो खाली है अगर हम इस पानी के ग्लास से पानी लेकर बाल्टी के अंदर डालें तो वो पूरा बाल्टी के अंदर आ जाएगा अगर हम बाल्टी का पानी लेकर उस ग्लास के अंदर डालें तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा मतलब उस ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी आएगा बाकी का पानी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे वो हमें हटाना पड़ेगा इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम की टर्म्स में कहते हैं कास्टिंग और यहाँ पर बाल्टी यानी कंटेनर को हम ले लेते हैं डेटा टाइप की जगह पर अब कास्टिंग को समझने से पहले एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं तो अगर हमें किसी चीज़ का प्राइस लिखना है तो हम डबल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे हंड्रेड एंड फिर क्या करेंगे एक और डबल टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे फ़ाइनल प्राइस के नाम से इसमें हम स्टोर करेंगे हमारा प्राइस उसके साथ साथ 18% परसेंट जी हम ऐड कर देते हैं तो क्या हुआ एस आउट कराएं अगर हम अपना फ़ाइनल प्राइस तो हमारे लिए हमारी जो वैल्यू होगी 118.0 वो प्रिंट हो गई पर अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें और एक इंटीजर टाइप का प्राइस वेरिएबल बनाएं जिसके अंदर स्टोर करें हंड्रेड उसके साथ साथ एक फ़ाइनल प्राइस नाम का वेरिएबल बनाएं जिसके अंदर हम स्टोर करें अपना प्राइस एंड उसमें भी 18.0 जो जी है वो ऐड करने की कोशिश करें अब ये जो एरर हमारे पास आया है ये आया है कास्टिंग की वजह से कास्टिंग को एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं जैसे कि हमारे पास पानी का एक छोटा ग्लास है उसके साथ साथ हमारे पास एक बकेट है एक बाल्टी है अब इस पानी के छोटे से ग्लास में जितना भी पानी है वो सारा हम बकेट के अंदर डाल सकते हैं और बकेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन अगर हम बकेट में भरा हुआ पानी छोटे से ग्लास के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो सारा का सारा पानी उस गिलास के अंदर नहीं आ पाएगा बहुत सारा पानी जो है वो फ्लो करेगा और वेस्ट हो जाएगा अब इसी चीज को अगर प्रोग्राम में जावा में देखें तो हम डेटा टाइप्स पर ध्यान दें अगर तो डबल का जो कैपेसिटी होता है जो साइज होता है वो होता है आठ बाइट्स का और इंट की जो कैपेसिटी है वो है चार बाइट्स की तो मतलब इंट छोटा है साइज वाइज एंड हमारा जो डबल का साइज है वो बड़ा है तो अगर डबल में हमने कोई चीज़ स्टोर कराई है उसे हम इंट में लाने की कोशिश करें तो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन हम लूज कर सकते हैं इसीलिए जावा ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिटली ये वाली जो कन्वर्जन है जो कास्टिंग है उसे अलाउ नहीं करता लेकिन अगर हम इंट टाइप की कोई वैल्यू डबल टाइप के किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं तो वो जावा अलाउ करता है क्यों क्योंकि डबल की कैपेसिटी इंट से डबल है तो मतलब इंट टाइप का जो भी वैल्यू इंट वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो जाकर डबल वेरिएबल के अंदर भी स्टोर हो सकता है अब जावा ये जो छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में जाने वाला प्रोसेस है इसे खुद से कर लेता है और इसे हम नाम दे देते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जब हमने 18 यानी इंटीजर वैल्यू को एक डबल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश की तो हमारे लिए हो गई इम्प्लिसड कास्टिंग जिसे जावा अलाउ करता है लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर जब हम एक डबल टाइप के वेरिएबल को स्टोर कराने की कोशिश करें अपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल में तो यहाँ पर जावा हमें अलाउ नहीं करता क्योंकि यहाँ पर हमारा जो साइज़ है जो कैपेसिटी है वो कम है जिस वैल्यू को आप स्टोर करा रहे हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं जिसे हम नाम देते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हम कह देते हैं जावा को कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बहुत डेटा लूज हो जाता है हमें तो जी छोटे टाइप के वेरिएबल में ही अपनी वैल्यू को स्टोर कराना है तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग के लिए हम दो पैरंथीसिस लिख देते हैं अपने दूसरे टाइप के वेरिएबल के सामने और उसके अंदर लिख देते हैं जिस भी टाइप में हमें उसे कास्ट करना है तो इस डबल वैल्यू को अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना था तो हमने यहाँ लगा दिया इंट पैरेंथिस के अंदर और हमारा जो रेड लाइन था एरर का वो डिसअपियर हो गया है तो अब अगर हम प्रिंट करवाएं अपने फाइनल प्राइस को तो यहाँ हमारे लिए प्रिंट हो रहा होगा वन वन एट अब एक और चीज़ अगर यहाँ पर एटीन पॉइंट ज़ीरो की जगह एटीन पॉइंट वन एट होता तो क्या प्रिंट होता तो भी हमारे लिए प्रिंट होता वन वन एट क्योंकि जब डबल इंटीजर में कास्ट हुआ तो पीछे के जो सारे डेसिमल के बाद वाले वैल्यूज हैं वो डिलीट हो जाएंगे अगर यहां पर 18 की जगह भी भी होता तो भी हमारे आउटपुट में हमारे लिए प्रिंट होता वन वन एट वो एटीन पॉइंट नाइन नाइन को नाइनटीन नहीं लेगा वो सेटीन ही लेगा डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज को ट्रंकेट कर देगा यानी हटा देगा तो इस तरीके से जावा के अंदर कास्टिंग वर्क करती है और हम एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो टाइप्स कंपैटिबल हैं मतलब हम स्ट्रिंग्स को इन टीजर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते पर इन टीजर्स यानी नंबर्स को हम एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे होते हैं अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की तो जैसे अगर हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लें एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का जैसे एज हमारी हो गई तो एज को अगर ले लें थर्टीन ले, तो अगले साल एक साल बाद हमारी एज जो है वो चेंज हो सकती है एज हमारी हो जाएगी थर्टी वन तो एज की वैल्यू यहाँ चेंज होकर हो गई है थर्टी वन की वैल्यू उससे अगले साल चेंज होकर हो जाएगी थर्टी टू तो जैसे एज ऐसा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बढ़ सकती है टाइम के साथ पर कुछ कुछ वेरिएबल्स कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कांस्टेंट रखना होता है जैसे अगर पाई का एग्जांपल लें तो पाई की वैल्यू हमेशा ट्वेंटी टू बाई सेवन यानी थ्री पॉइंट वन फोर ही रहती है अब हम अपने कोड के अंदर जावा कोड के अंदर कैसे इंश्योर करें कि इसकी वैल्यू कोई चेंज ना कर पाए उसके लिए हम यूज करते हैं एक फाइनल कीवर्ड का अब अगर हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएं और इसे नाम दे पाए और इसमें वैल्यू स्टोर कराएं थ्री पॉइंट वन फोर एफ तो कोड में बाद में जाकर अगर कभी कोई हमारी पाए को वन पॉइंट एफ असाइन करने की कोशिश करे तो वो कर सकता है और जावा कोड में कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारा जो पाए है वो फाइनल नहीं है वो कांस्टेंट नहीं है उसकी वैल्यू हम नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह चेंज कर सकते हैं अब अगर पाए को हमें कॉन्स्टेंट बनाना है तो फ्लोट के सामने हमें लगाना पड़ेगा एक फाइनल की फाइनल से हमने बता दिया कि ये इस वेरिएबल की फाइनल वैल्यू है इसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते कोड में और जब हम अगली बार उसे चेंज करने जाएंगे तो हमारे लिए आ जाएगा एक एरर कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल तो इस तरीके से हम अपने कोड के अंदर कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं एंड कोड के अंदर जो भी कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू हम यूजुअली कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं तो ये एक कन्वेंशन होता है जावा कोडर्स का जो कांस्टेंट्स लिखने होते हैं जिनकी भी फाइनल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम अपर केस से डिफाइन कर देते हैं कि इनकी वैल्यू को कोड में हमें चेंज नहीं करना है अब बात करते हैं जावा के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो है ऑपरेटर्स जावा के अंदर चार टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं इनमें पहले आ जाते हैं हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड देन लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स अब लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात हम करेंगे जब हम इफ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे होंगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेन ऑपरेटर्स विच आर एरिथमेटिक एंड साथ में हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर अब एरेथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो ये हमारे मैथ्स के ऑपरेटर्स की तरह होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसके साथ साथ रिमाइंडर निकालना तो ये हमारे मेजर फाइव मेन एरेथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं अब अगर ऑपरेटर्स में एग्जाम्पल लें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है ए जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है वन हमारे पास एक और नंबर है बी जिसमें वैल्यू हमारी स्टोर्ड है टू और अगर हमें सम इनका करना है तो हम कैसे करेंगे हम लिखेंगे ए प्लस बी और अब इस सम को अगर हम प्रिंट करवाएं तो प्रिंट करके हमारे पास आउटपुट आ जाता है थ्री तो इस तरीके से हमने प्लस यानी एडिशन ऑपरेटर को यूज़ किया है अपने कोड के अंदर ऐसे ही अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें ए और बी का तो इसे नाम हम दे देते हैं डिफरेंस ए माइनस बी हम लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिफ तो ऊपर जाकर अगर हम रन करेंगे कोड को तो हमारे लिए डिफरेंस आएगा वन माइनस टू मतलब माइनस वन एंड अगर हम करना चाहें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देंगे यानी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लिख देंगे एंड प्रिंट हम करवा देंगे मल्टीप्लाई हमारा वेरिएबल इसे रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा वन इंटू टू विच इज़ टू उसके बाद बात करते हैं डिवाइड की अब ए डिवाइडेड बाय बी अगर हम करवाना चाहें तो इसे नाम हम दे देते हैं डिव एंड डिवाइड करवा कर जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जीरो अब आप बोलेंगे कि वन डिवाइडेड बाय टू तो हमारा जीरो पॉइंट फाइव होता है मतलब हाफ होता है तो यहां पर जीरो क्यों प्रिंट हुआ हमारा जो डिव वेरिएबल हमने लिया है वो इंटीजर टाइप का है और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे इंटीजर टाइप्स में जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज होती है वो ट्रंकेट हो जाती हैं वो सारी कट जाती हैं तो जीरो पॉइंट फाइव नहीं प्रिंट होगा ज़ीरो प्रिंट होगा हम एक और चीज़ कर सकते हैं हम डबल में इन वेरिएबल्स को लिख सकते हैं और फिर डबल की वैल्यूज को या फ्लोट की वैल्यूज को हम डिवाइड करवा के पूरा डेसिमल के साथ अपनी डिविजन वाली वैल्यू को लिख सकते हैं अगर वो हम ट्राई करना चाहें तो लिख देते हैं डबल वन डबल टू एंड उसके साथ साथ हमारा डबल डिफ और अब अगर अपना आउटपुट हम प्रिंट करवाएं तो हमारे लिए आंसर निकल कर आएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव अब एक और स्पेशल ऑपरेटर होता है जावा के अंदर जो मैथ्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता इसे हम कहते हैं मॉड्यूलो मॉड्यूलो कुछ ऐसा दिखता है मॉड्युलो का यूज़ हम करते हैं जब दो नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो उनका रिमाइंडर निकालने के लिए तो जैसे हम वन को टू से अगर डिवाइड कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम निकालना चाहें मॉड्यूलो एंड हम प्रिंट करवाएं अगर मॉड्यूलो को तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा वन अब आंसर वन कैसे आया वन को जब हम टू से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता और हमारे लिए हमेशा एक रिमाइंडर दे जाता है विच इज़ वन तो वो रिमाइंडर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं जावा में इस मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से तो जैसे अगर हम फाइव को थ्री से डिवाइड करें तो इन्हें चेंज कर देते हैं ए को बना देते हैं फाइव बी को बना देते हैं थ्री तो हम जानते हैं कि फ़ाइव में जो तीन है वो तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर बच जाएगा टू तो इसे रन करके वेरीफाई करें अगर तुम देख सकते हैं कि आउटपुट में प्रिंट हो गया टू तो फाइव से जब थ्री को डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर दो रह जाता है और वही हमारा मॉड्यूलो हमें रिटर्न करके दे देता है तो इसी तरीके से जावा के अंदर मेजर फाइव एरिटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया है अब बात करते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की असाइनमेंट ऑपरेटर को वैसे हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे थे तो जैसे हमने डबल टाइप का ये ए वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें वैल्यू हमने असाइन की फाइव और इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने यूज़ किया है उस वैल्यू को असाइन करने के लिए तो जहां भी हमें इज इक्वल टू का साइन दिखता है ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर अब असाइनमेंट ऑपरेटर ये नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके साथ साथ हमारे आ जाते हैं यूनरी ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो जैसे कि अगर हमें एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करना है तो हमें हमेशा एक ए और एक बी की जरूरत पड़ती है क्यों क्योंकि हमेशा जब भी ऑपरेशन होते हैं मैथ्स वाले वो दो ऑपरेंट्स के बीच में होते हैं हमें उनके लिए एटलीस्ट दो नंबर चाहिए अगर प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है लेकिन अब अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें जिसमें हम बनाते हैं एक नंबर नंबर को इनिशलाइज करेंगे वैल्यू वन के साथ मतलब नंबर हमने बना लिया वेरिएबल उसको वैल्यू हमने दे दी वन अब नंबर की वैल्यू को हम इंक्रीज करना चाहें बाय वन तो हम क्या लिख सकते हैं नंबर प्लस वन हम लिख सकते हैं बहुत आराम से और हमारी नंबर की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे अगर तो देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास आएगी हमारी वैल्यू टू इसे हम कॉमेंट आउट कर देते हैं लेकिन इस पूरे सेंटेंस को शॉर्ट में लिखने का हमारे पास एक तरीका है जावा के अंदर वो ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस वन हम क्या कर दें यहां पर हम लिख दें नंबर प्लस प्लस अब ये प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है जैसे मैथ्स के ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंट चाहिए ए और बी हमेशा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वैसे जावा के अंदर कुछ यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको एक ही ऑपरेंट चाहिए मतलब उन्हें दूसरे बी की ज़रूरत नहीं है वो नंबर में ही प्लस वन कर देंगे और उसके लिए हमें लिखना पड़ता है प्लस प्लस और अगर हम दोबारा से अपने नंबर को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास अभी भी वैल्यू प्रिंट होकर आएगी टू अब देखते हैं कि प्लस प्लस आगे और प्लस प्लस पीछे लगाने में डिफरेंस क्या है अगर मान लेते हैं हम शुरुआत में अपने नंबर प्लस प्लस को प्रिंट करें एंड उसके बाद प्रिंट करें हमारे नंबर को तो क्या होगा आउटपुट शुरुआत में हमारे लिए प्रिंट हुआ वन एंड उसके बाद हमारे लिए प्रिंट हुआ टू अब जब भी हमारा प्लस प्लस हम वेरिएबल के बाद लगाते हैं तो सबसे पहले हमारी ओरिजिनल वैल्यू यानी वन प्रिंट होती है और अगली बार हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है तो अगली बार चेंज होने के बाद प्रिंट होता है टू तो बाद में लगाने का मतलब हमारी वैल्यू बाद में चेंज होगी लेकिन इसी प्लस प्लस को अगर हम पहले लगा दें और फिर अपने कोड को रन करें तो हम देखेंगे कि आउटपुट में पहले भी दो प्रिंट हुआ और बाद में भी दो प्रिंट हुआ यानी हमारी वैल्यू पहले ही चेंज हो गई तो पहले ही चेंज होकर टू हो गई एंड बाद में तो ऑलरेडी वेरिएबल चेंज हो गया तो टू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अब जैसे प्लस प्लस एग्जिस्ट करता है प्लस वन के लिए वैसे ही माइनस माइनस भी एक यूनिरी ऑपरेटर है जो माइनस वन के लिए एग्जिस्ट करता है अब इसे हम देखते हैं माइनस माइनस यहाँ पर लगा दें यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर और उसके बाद अपने कोड को रन करें तो हमारे पास आउटपुट में आएगा ज़ीरो एंड सेकेंड टाइम भी ज़ीरो क्योंकि पहले वैल्यू थी हमारी वन जो फर्स्ट में मतलब इनिशियली ही डिक्रीज़ होकर हो गई ज़ीरो एंड उसके बाद सेकेंड टाइम में ऑलरेडी वो चेंज हो चुकी है टू ज़ीरो लेकिन इस माइनस माइनस को हम नंबर के बाद लगाएं और उसके बाद अपने कोड को रन करें तो शुरुआत में हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई सबसे पहले हमारी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हुई जो कि थी वन एंड अगली बार के लिए वैल्यू चेंज हो गई यानी वन से डिक्रीज होकर हो गई हमारी वैल्यू जीरो तो इस तरीके से हमारी यूनिरी ऑपरेटर्स काम करते हैं जावा के अंदर और ये ऑपरेटर्स बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं क्योंकि हमारे कोड की एक पूरी लाइन को इन्होंने एक सिंगल सा टर्म बना दिया है अब बात करते हैं जावा की एक काफी इंपॉर्टेंट क्लास की जिसका नाम है मैथ्स मैथ्स क्लास के अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारे काफी सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं जो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं इनमें से पहला फंक्शन हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डॉट मैक्स ये फंक्शन क्या करता है उसकी बात समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं फाइव एंड सिक्स अब हमें इन दोनों में से मैक्सिमम जो है प्रिंट करना है तुम कैसे करेंगे हम मैथ्स क्लास का एक फंक्शन कॉल करेंगे डॉट मैथ्स जिसके अंदर पास कर देंगे फाइव और सिक्स और ये क्लास हमारे लिए ऑटोमेटिकली हमारे फाइव और सिक्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर उसे प्रिंट कर देगी तो इस कोड को रन करें तो हमारे लिए प्रिंट होने वाला है सिक्स सिमिलरली एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है डॉट मिन तो मैथ्स की जगह अगर हम मिन को कॉल करें और उसके बाद कोड को रन करें तो हमारे लिए आउटपुट में रन होकर आएगा फाइव तो इस तरीके से मैक्स और मिन फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं हमारे कोड में आगे जाकर या जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे एलगोरिदम्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो तब हमारी चीजें काफी आसान हो जाएंगी इसके अलावा एक और फंक्शन होता है मैथ्स क्लास में उस फंक्शन को हम नाम देते हैं रैंडम रैंडम फंक्शन क्या करता है उसकी बात करें तो रैंडम फंक्शन हमारा 0.0 से 1.0 की रेंज में हमें कोई भी एक रैंडम नंबर जो है वो रिटर्न करता है कैसे रिटर्न करता है अगर हम कॉल करें मैथ डॉट रैंडम इस फंक्शन से रिटर्न होकर आएगी हमारे पास एक रैंडम वैल्यू उस रैंडम वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं पहले हमारे पास ये कोई लंबी सी वैल्यू प्रिंट होकर आई उसके बाद दोबारा कॉल करें तो एक अलग वैल्यू प्रिंट होकर आई तीसरी बार कॉल करें तो एक और अलग वैल्यू प्रिंट होकर आई तो ये हर बार हमें एक अलग वैल्यू प्रिंट करके दे देता है अब इसी वैल्यू को जिसे इसने प्रिंट किया है ये लॉन्ग की फॉर्म में प्रिंट करता है अगर हम चाहते हैं कि हमें ये वैल्यू इंट की फॉर्म में मिल जाए तो हम इसे कर देंगे क्या टाइप कास्ट तो एक्सप्लिसिटली कास्टिंग हम यहां पर यूज करेंगे और इस वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे लेकिन प्रिंट करवाने से हमेशा हर बार जीरो ही आएगा क्योंकि वैल्यू जो है हमारी वो हमेशा वन से छोटी होती है और इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर वन से छोटी वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को रैंडम वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड के साथ एंड मल्टीप्लाई करने के बाद इसे टाइप कर देंगे तो हम इसे रन करते हैं

इसे बनाएंगे हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से और इसमें पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन अब जब ये हम ये लिखेंगे तो कुछ एरर्स हमें दिख रहे होंगे जैसे स्कैनर हमारे पास नहीं है तो इस क्लास को हमें करना पड़ेगा इम्पोर्ट तो जावा डॉट यूटेल डॉट स्कैनर को हम कर लेंगे इम्पोर्ट तो हमारी रेड लाइन्स डिसअपियर हो गई है स्कैनर क्लास हमारे पास आ गई है और जैसे आउटपुट के लिए हम सिस्टम डॉट आउट यूज करते थे इनपुट के लिए हम यूज करेंगे हम आगे जब क्लास के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको पढ़ रहे होंगे तो एस सी यानी स्कैनर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया अब स्कैनर की हेल्प से हम इनपुट लेने वाले हैं मान लेते हैं हमें इनपुट लेना है हमारी एज तो सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं इनपुट योर एज और फिर क्या करेंगे हमारे लिए जो भी इनपुट एज आएगी उसे हम स्टोर करा लेंगे इंटीजर नाम के वेरिएबल में और ये आएगी हमारे पास कैसे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट नाम के एक फंक्शन से तो स्कैनर क्लास के अंदर हमारा नेक्स्ट इंट नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम इंटीजर को इनपुट लेंगे अब जो भी इनपुट लिया है हमने एज का उसे हम बाद में प्रिंट भी करवा देंगे और इस कोड को रन करके देखते हैं कि एक्चुअली होगा क्या हमारे लिए सबसे पहले प्रॉम्प्ट आया इनपुट योर एज यहां पर हम एज एंटर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल थर्टी इसे एंटर किया और एंटर करने के बाद हमारे लिए हमारी एज वापस प्रिंट हो गई विच इज थर्टी तो इस तरीके से स्कैनर क्लास की हेल्प से हमने अपने इनपुट को ले लिया है अब मान लेते हैं हमें इंट नहीं कोई फ्लोट वैल्यू चाहिए थी तो इसे स्टोर करा दें फ्लोट के नाम के वेरिएबल में और अगर इसे दोबारा रन करें हमारे तो लिए आ जाएगा इनपुट योर एज हम यहाँ पर एंटर कर देंगे फोर्टी तो हमारे लिए प्रिंट हुआ फोर्टी पॉइंट जीरो विच इज अ फ्लोट वैल्यू अब इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट में चॉइसेस होते हैं हम कैरेक्टर डेसिमल्स उसके साथ साथ बाइट लॉन्ग बुलियन बहुत सारी वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी स्ट्रिंग्स अब स्ट्रिंग्स को इनपुट कराने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले बनाते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें नाम लिखेंगे नेम एंड नेम में हम कर देंगे एस सी डॉट नेक्स्ट अब ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ये यूज होता है स्ट्रिंग्स को इनपुट करने के लिए यहां पर हम लिख देंगे इनपुट योर नेम एंड उसके बाद जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है इनपुट से उसे हम करा देंगे प्रिंट अब इस कोड को रन करके देखते हैं इनपुट योर नेम में हमने टाइप कर दिया है अमन इसे एंटर किया तो हमारे पास हमारा ही नाम जो है वो एको होकर वापस आ गया है अब क्या करेंगे इस कोड को एक बार और रन करने की कोशिश करते हैं और नेम में हम एंटर करेंगे अमन इज अ गुड बॉय और इसे अगर हम एंटर करें तो हमारे पास सिर्फ अमन प्रिंट हुआ हमारे पास पूरी लाइन जो है वो प्रिंट नहीं हुई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो नेक्स्ट फंक्शन है कोड के अंदर ये सिर्फ टोकनस लेता है टोक यानी एक सिंगल वर्ड ये सेंटेंस नहीं लेगा पूरा का पूरा ये एक सिंगल वर्ड को इनपुट लेगा लेकिन हमें तो जी पूरा सेंटेंस इनपुट कराना है तो उसे कैसे कराएं उसके लिए यूज करते हैं हम एक फंक्शन लाइन तो नेक्स्ट लाइन फंक्शन की हेल्प से हम पूरी की पूरी लाइन को इनपुट ले सकते हैं और अब इसे अगर हम रन करें एंड वापस से टाइप करें हम अपना सेंटेंस तो हमारे लिए प्रिंट हो गई है हमारी पूरी की पूरी लाइन तो इस तरीके से जावा के अंदर हम बहुत सारे टाइप्स की वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं और उन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं हमारे कोड में अब जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स की तो जैसे मैथ्स के अंदर हम कंपेयर करते थे कि या क्या एक नंबर नंबर दूसरे number से बड़ा है या छोटा है तो उसमें हम लेस देन देन या ग्रेटर का साइन यूज करते थे वैसा ही कुछ जावा के अंदर होता है जावा के अंदर भी हम नंबर्स को या अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं इनको कंपेयर करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स की हेल्प लगती है हम उन्हीं ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे इनमें से सबसे पहला आ जाता है हमारा इक्वल टू इक्वल टू ऑपरेटर ये ऑपरेटर कहता है कि अगर ए इक्वल टू इक्वल टू बी यानी ए की वैल्यू क्या बी की वैल्यू के इक्वल है अगर वो इक्वल है तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू नहीं तो हमारे पास ये वैल्यू दे देगा हमें फॉल्स की इक्वल नहीं है इसके बाद आता है नॉट इक्वल टू तो मैथ्स के अंदर अगर नॉट इक्वल टू लिखना होता है तो, तो हम इक्वल टू का साइन बना और फिर एक एरो नीचे से पास कर देते थे या फिर एक डंडा लगा देते थे उस पर लेकिन जावा के अंदर अगर हमें नॉट लिखना है तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का तो हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी तो अगर ए बी के इक्वल नहीं होगा तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू नहीं तो हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स अब बात करते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू के साइन की तो ए अगर लेस देन बी हमें चेक करना है तो उसके लिए यूज करेंगे ये लेस देन का साइन और ए अगर ग्रेटर देन बी यूज करना है तो उसके लिए यूज करेंगे हम ये ग्रेटर देन बी का साइन साथ के साथ हम लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं उसे चेक करने के लिए ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो इस तरीके से हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं अब इनका हम यूज करेंगे एग्जांपल की हेल्प से अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जैसे अगर हम हिंदी की एक लाइन ले कि अगर हमारा सूरज ऊपर है तो हमारा दिन है नहीं तो हमारे लिए रात चल रही है इसी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो बोलेंगे इफ द सन इज अप देन इट इज डे एल्स इट इज नाइट तो ये जो इफ और एल्स की जो दो कंडीशन निकली इन्हीं को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं और इस पूरी लाइन को हम जावा की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं जैसे हम सबसे पहले बना लेते हैं एक बुलियन वेरिएबल हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बना लेते हैं एक बुलियन वेरिएबल इज सन अप इसमें हम स्टोर कर देते हैं ट्रू और फिर लिखते हैं हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स स्टेटमेंट तो इफ इज सन अप इक्वल टू इक्वल टू ट्रू अगर ये वैल्यू ट्रू है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे डे मतलब अगर पहले वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो सेकेंड केस में हम प्रिंट कर देंगे नाइट तो ये हमने कर लिया कोड एंड इसे हम अगर प्रिंट करवाएं तो हमने सन इज अप में स्टोर किया था ट्रू उसकी वैल्यू चेक हुई इक्वल टू इक्वल टू के साथ एंड हमारे लिए प्रिंट हो गया डे लेकिन अगर सन नहीं होता मतलब सूरज ऊपर नहीं होता और वहां स्टोर होता फॉल्स उस केस में अपने कोड को रन करें तो हमारे लिए प्रिंट होती नाइट तो अगर सूरज ऊपर नहीं है देन इट इज नाइट तो इस तरीके से हमारे जावा के अंदर हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स काम करती हैं इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं जैसे अगर हम डिफाइन कर दें हमारी कोई एज मान लेते हैं एज हमने दी है थर्टी और अगर हमें चेक करना है कि कोई भी जिसकी एज हमें दी हुई है वो वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो उसके लिए लिखेंगे हम इफ एज इज ग्रेटर देन एटीन तो प्रिंट करवाएंगे कैन वोट नहीं तो हम प्रिंट करवाने वाले हैं कांट वोट तो इसे अगर रन करें तो हमने एज दी थी थर्टी तो हमारे लिए प्रिंट हुआ है कैन वोट लेकिन अगर कोई तीन साल का बच्चा है उसकी एज के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं तो हमारे लिए आएगा कि कैन नॉट मतलब कांट वूट तो इस तरीके से हम एफ एल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं हमारी अलग अलग कंडीशन को एनालाइज करने के लिए अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की अब कोड के अंदर हमें एक नई अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है या फिर किसी लॉजिक को एनालाइज़ करना है तो उसको हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से ये अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इनमें से सबसे पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर पहली कंडीशन सच है और दूसरी कंडीशन भी सच है तभी हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो टोटल सच होगा नहीं तो हमारा आउटपुट फॉल्स होने वाला है इसको देखते हैं कि कैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है ए जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है थर्टी एंड एक दूसरा नंबर है बी जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है फोर्टी तो अगर हमें कंडीशन लगाएं कि ए इज लेस देन फिफ्टी एंड एंड बी इज लेस देन फिफ्टी तभी हमारे लिए प्रिंट हो बोथ लेस देन फिफ्टी तो अगर हम इसको रन करें क्योंकि हमारे थर्टी एंड फोर्टी दोनों लेस देन फिफ्टी हैं तो हमारे लिए प्रिंट हुआ है बोथ लेस देन फिफ्टी लेकिन अगर हम यहाँ पर चेंज करके इसे कर दें सिक्सटी तो हमारे लिए आउटपुट में कुछ प्रिंट नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि बी तो हमारा लेस देन फिफ्टी था लेकिन ए हमारा ग्रेटर देन फिफ्टी हो गया तो इस इफ कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से हम इस स्टेटमेंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाए और हमारे लिए स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई तो इसी तरीके से हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जब भी हम एंड एंड लगा देते हैं तो हमारी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है जैसे एंड होता है वैसे ही एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिकल और लॉजिकल और को इस तरीके से हम दो पाइप्स लगा कर लिखते हैं या दो हमारे स्ट्रेट जो लाइन्स होती हैं कीबोर्ड के ऊपर उनकी हेल्प से लिखते हैं अब देखते हैं If ए इज़ लेस देन फिफ्टी और और बी इज लेस देन फिफ्टी इस केस में एंड में हमारे लिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ था लेकिन अगर हम ये सेम चीज़ यहाँ से कॉपी कर दें और इसे पेस्ट कर दें तो देखते हैं कि कुछ प्रिंट होगा क्या इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं कमांड स्लैश की हेल्प से एंड रन करते हैं तो हमारे लिए प्रिंट हुआ है बोथ लेस देन फिफ्टी अब इस बोथ को थोड़ा चेंज कर देते हैं एटलीस्ट वन कर देते हैं इसे रन किया तो हमारे लिए प्रिंट हो गया एटलीस्ट वन लेस देन फिफ्टी अब ये कैसे प्रिंट हुआ जैसे एंड हमारे लिए चेक करता था कि दोनों स्टेटमेंट सच होनी चाहिए वैसे और चेक करता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सच होनी चाहिए अगर आपने जो लिखी है स्टेटमेंट्स उनमें से एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो आपके लिए चीजें प्रिंट हो जाएंगी तो आपका ब्लॉक काम कर जाएगा नहीं तो आपको रिटर्न होकर मिलेगा फॉल्स अब जावा के अंदर एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स से दिखाते हैं तो ये नेगेटिव होता है जैसे कि अगर आपके पास ट्रू कंडीशन है उसे ये फॉल्स बना देगा और फॉल्स कंडीशन है तो उसे ये ट्रू बना देगा तो जैसे हम नॉट इक्वल टू लिखते थे तो एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते थे वैसे ही नॉट ऑपरेटर हमारा सिर्फ अकेला एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जैसे अगर हमने एक बुलियन वेरिएबल बनाया है इज़ एडल्ट और इसे हमने दी है ट्रू वैल्यू तो अगर हमारा जो इज एडल्ट है वो ट्रू है तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे इज एडल्ट नहीं तो हम प्रिंट करवा देंगे नॉट एडल्ट और इसे अगर रन करें तो हमें पता है कि इज एडल्ट ट्रू है तो हमारा आउटपुट भी ट्रू होगा मतलब इज़ एडल्ट हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा लेकिन अगर इज एडल्ट में हम कर दें फॉल्स और फिर इस कोड को रन करें तो हमारे लिए प्रिंट होगा नॉट एडल्ट अब इस कोड में एक दो ऑप्टिमाइजेशन हम डिस्कस करते हैं हमें जब भी ट्रू या फॉल्स के साथ इक्वल टू कंडीशन चेक करनी होती है तो जावा के अंदर इक्वल टू लिखना ज़रूरी नहीं है अगर हम इस पूरे पार्ट को भी हटा दें तो भी हमारे कोड में कोई एरर नहीं आएगी तो भी जावा ऑटोमेटिकली इसे चेक कर लेगा इज इक्वल टू ट्रू के साथ तो अगर आपने इफ़ के अंदर कोई कंडीशन लिखी है और इज इक्वल टू ट्रू नहीं भी लिखा तो भी वो इज इक्वल टू ट्रू ऑटोमेटिकली अपने आप चेक कर लेगा इसे रन करके देखें तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा विच इज़ नॉट एडल्ट अब इज इक्वल टू ट्रू की जगह हम यहाँ पर लगा दें नेगेटिव ऑपरेटर मतलब ये नेगेशन लॉजिकल ऑपरेटर हमने लगा दिया तो अब वो इज इक्वल टू ट्रू नहीं चेक करेगा वो चेक करेगा इज इक्वल टू फॉल्स के लिए और इज एडल्ट हमारा फॉल्स ही है तो हमारे लिए पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा इज एडल्ट तो जावा के अंदर इफ कंडीशन के अंदर अगर हम इज इक्वल टू ट्रू हटा भी दें तो भी कंडीशन हमारे लिए काम करती है लेकिन इज इक्वल टू ट्रू की जगह अगर हमें इम्प्लिसिटली इज इक्वल टू फॉल्स को चेक करना है तो हम यूज़ करते हैं इस नेगेशन ऑपरेटर का इस लॉजिकल ऑपरेटर का अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एक एग्जांपल की हेल्प से समराइज़ कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से सबसे पहला एक पेन जिसका प्राइस है हमारे पास दस रुपये और दूसरा है एक नोटबुक जिसका प्राइस है हमारे पास चालीस रुपये हम क्या करेंगे अपने यूज़र से पूछेंगे कि आप हमें बताइए कि आपके पास कितने पैसे हैं उन पैसों के हिसाब से हम यूज़र को बताएंगे कि क्या वो पेन खरीद सकते हैं और पेंसिल दोनों साथ में ख़रीद सकते हैं या फिर वो सिर्फ पेन को ख़रीद सकते हैं या फिर वो पेन पेंसिल में से दोनों में से किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं? तो इसको लिखने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले यूज़ करते हैं स्कैनर का तो स्कैनर एस सी इज़ एक टू न्यू स्कैनर हम लिख लेंगे उसके अंदर पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन इनपुट के लिए अब हमें पता है कि पेन का प्राइस है दस रुपये नोटबुक का प्राइस है हमारे लिए चालीस रुपये तो सबसे पहले क्या करेंगे स्कैनर की हेल्प से यूज़र के पास कितना कैश है उसको हम पता कर लेंगे तो इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको नाम देंगे कैश और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट एक फंक्शन से उस वेरिएबल को कर लेंगे इनपुट अब चेक करेंगे कि कैश में कितना कैश है तो इफ़ कैश इज लेस देन टेन उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे कैन नॉट बाय एनी थिंग अब ध्यान देंगे कि हमने डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं लिखी हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं यहाँ पर इन कर्ली ब्रेसेस को जावा के अंदर हम ब्लॉक कहते हैं तो जैसे इफ स्टेटमेंट के बाद अगर हमें सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करवानी है तो हमें ब्लॉक की जरूरत नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें एक और चीज़ प्रिंट करवानी है गेट मोर कैश तो उस केस में हम चाहते हैं कि दोनों लाइन जो है हमारी प्रिंट हो जाए अगर इफ स्टेटमेंट सच है तो तो उस केस में हमें लगाना पड़ेगा अपने लिए करली ब्रेसेस या फिर ब्लॉक हमारे कोड के अंदर अब यहाँ पर हमने लिखी लिए पहली स्टेटमेंट एल्स के बाद एक और इफ़ लगा दें मतलब अगर ये सच नहीं हुआ तो फिर एक और कंडीशन हम चेक करेंगे वो कंडीशन ये होगी कि कैश इज ग्रेटर देन टेन एंड कैश इज लेस देन फोर्टी तो इस केस में हम प्रिंट करवा देंगे कैन गेट वन थिंग मतलब हमें एक ही चीज़ मिल सकती है और फाइनली हमारी एल्स स्टेटमेंट जिसमें हम लिखेंगे एल्स में क्या हो जाएगा एल्स में हमारा ये हो जाएगा कि जिस भी केस में हमारे पास पेन एंड पेंसिल के प्राइस से ज़्यादा कैश है मतलब पचास रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में हम लिखने वाले हैं कैन गेट बोथ अब यहाँ पर हमें कैश में फोर्टी की जगह फिफ्टी लिखना चाहिए था ताकि दोनों चीज़ें आ जाए तो कैन गेट बोथ तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया हमारे कैश को यूज़र के पास कितना कैश है उसके बाद हमने देख लिया कि कैश अगर 10 से कम है तो हम कुछ भी नहीं ख़रीद सकते कैश अगर 10 से 50 के बीच में है तो हम एक चीज़ खरीद सकते हैं और कैश अगर 50 से ज़्यादा है हमारे पास तो हम दोनों चीज़ें खरीद सकते हैं तो इस हिसाब से हम इस कोड को रन करते हैं और अपने इनपुट विंडो के अंदर हम इनपुट में डाल रहे होंगे शुरुआत में डाल लेते हैं मान ले हमारे पास सात रुपये हैं तो इस केस में हम कुछ भी नहीं खरीद सकते पर अगर अपने कोड को दोबारा रन करें और इनपुट करें कि हमारे पास हमारे पास तो जी हैं सिक्सटी रुपीज़ तो हम दोनों चीज़ें ख़रीद सकते हैं तो ऐसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर लिया है एक छोटे से एक्जाम्पल की हेल्प से और आगे जाकर हमें ऐसे ही प्रोग्राम्स लिखने होंगे जिसके अंदर हमें इधर उधर कंडीशन चेक करनी होंगी तो उनको हम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं अब जावा के अंदर हमारे पास इफ एल्स के अलावा एक और टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसे हम नाम देते हैं स्विच स्विच क्या करता है स्विच किसी भी एक नंबर को लेता है या एक वैल्यू को लेता है और उसके बेसिस पर बहुत सारी कंडीशंस को चेक करता है तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि स्विच काम कैसे करता है मान लेते हैं हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है डे और डे में हमने शुरुआत की वन के साथ तो वन का मतलब हमारे लिए है मंडे टू का मतलब है ट्यूजडे एंड सो ऑन ऐसे ही थ्री का मतलब हमारे वेंसडे हो जाएगा इसी तरीके से हम हफ्ते के सात दिनों को एनालाइज करेंगे तो अगर स्विच यहाँ हम लिख दें और स्विच में पास कर दें डे तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं स्विच के अंदर डे पास करने से हम डे के बेसिस पर डे के लिए बहुत सारी कंडीशंस को चेक करने वाले हैं अब स्विच के अंदर होते हैं हमारे केसेस तो जैसे इफ एल्स के अंदर कंडीशन होती थी वैसे ही स्विच के अंदर केस हो जाते हैं केस पहला है कि हमारे डे की वैल्यू है वन अगर डे की वैल्यू वन है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे मंडे ऐसे ही अगर हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लें तो केस टू हमारे पास आ जाता है और केस टू में हम लिख देंगे ट्यूसडे एंड सो ऑन और ऐसे ही बहुत सारे केसेस लिखने के बाद हमारा जो केस आता है उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट केस तो डिफॉल्ट हम यहाँ पर लिख देंगे और डिफॉल्ट में हम मान लेते हैं लिख देते हैं वेंसडे टू संडे तो हमारा केस वन है मंडे केस टू है ट्यूसडे डिफॉल्ट केस है वेंसडे से संडे तो डे की वैल्यू में अगर वन स्टोर होगा तो उसे वो से पहले केस के साथ मैच कर लेगा टू स्टोर होगा तो दूसरे केस के साथ मैच कर लेगा उसके अलावा कोई वैल्यूज़ होंगी तो वो चली जाएंगी हमारी डिफ़ॉल्ट केस के अंदर और स्विच के अंदर ऐसा होता है कि अगर एक केस के साथ आप मैच कर गए तो उसके बाद वाली सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी मतलब अगर इस कोड को हम रन करें तो हमारा आउटपुट हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा जिसमें हमारे लिए प्रिंट होंगी सारी की सारी कंडीशंस यानी जब भी हमारा जो कंट्रोल है वो केस वन के पास आया तो केस वन के लिए हमारे डे की वैल्यू वन के साथ मैच कर गई और हमारे लिए प्रिंट हो गया मंडे लेकिन उसके बाद वो केसेस नहीं चेक करेगा डायरेक्टली सारी की सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देगा ऐसे ही अगर हमारा डे होता टू और उसे अगर हम रन करें तो केस वन के साथ टू मैच नहीं हुआ केस टू के साथ टू मैच हो गया उस केस में हमारे लिए प्रिंट होगा ट्यूसडे एंड उसके बाद वाली सारी स्टेटमेंट्स तो आप ध्यान से देख सकते हैं आउटपुट में हमें मंडे दिखाई नहीं दे रहा हमारे आउटपुट शुरू हुए ट्यूसडे के साथ लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही केस की कंडीशन जो है वो प्रिंट हो तो ऐसी सिचुएशन में हम लिख देंगे ब्रेक कीवर्ड को तो ब्रेक कीवर्ड को लिखने से क्या होता है जहाँ भी हमारा केस खत्म हो जाएगा वहाँ पर हम कंट्रोल से ब्रेक कर जाएंगे मतलब उस पूरे स्विच से बाहर निकल जाएंगे और हमारी आगे की स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं होंगी अब डिफॉल्ट के साथ हमें ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर अब हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है तो अगर अब हम डे टू के लिए इस कोड को रन करें तो हमारे लिए वेजडे टू संडे प्रिंट नहीं होगा सिर्फ प्रिंट हो रहा होगा हमारे लिए ट्यूसडे क्योंकि टू टू से मैच किया यहाँ पर ट्यूसडे प्रिंट हुआ उसके बाद ब्रेक करके हम स्विच वाले ब्लॉक से बाहर निकल गए तो इस तरीके से ब्रेक कीवर्ड का हम जावा कोड के अंदर वहां पर यूज करते हैं जहां हमें ब्लॉक से बाहर निकलना होता है और आगे की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कराना होता अब बात करते हैं जावा के अंदर लूप्स की मान लेते हैं हमें बोला गया है कि आप वन से लेकर थ्री तक नंबर्स को प्रिंट कराइए तो हम वो कुछ कैसे करेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे इसमें हम प्रिंट करवा देंगे वन सिमिलरली हम प्रिंट करवा देंगे टू एंड थर्ड लाइन में हम प्रिंट करवा देंगे थ्री लेकिन अगर अब हमें बोला जाए कि आप वन से लेकर हंड्रेड तक नंबर्स को प्रिंट करवाइए तो या तो हम एक एक करके इनको एक एरे के अंदर स्टोर करें मतलब एक लिस्ट बनाए इन नंबर्स की या फिर हम एक एक करके अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को बार 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 सौ बार लिखें अब ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है करने के लिए क्योंकि ये नंबर हंड्रेड से लेकर वन मिलियन तक भी जा सकता है तो हम वन मिलियन प्रिंट स्टेटमेंट्स तो नहीं लिख रहे होंगे तो ऐसे कामों के लिए हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर लूप्स का लूप की हेल्प से हम वो काम करते हैं जिन्हें हमें बार 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 रिपीट करना होता है तो लूप्स के अंदर हम डाल देते हैं कि कितनी बार उस काम को रिपीट करना है और लूप्स हमारे लिए कुछ कंडीशंस की हेल्प से उन कामों को जो है रिपीट कर देते हैं जावा के अंदर तीन टाइप के लूप्स होते हैं फॉर लूप्स डू वाइल लूप्स एंड वाइल लूप्स हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर लूप्स की अब फॉर लूप्स की अगर बात करें तो फॉर लूप्स का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर। फॉर एक कीवर्ड है जावा के अंदर इसके बाद हम लिखते हैं पैरंथेसिस अब इन पैरेंथिस के अंदर फॉर के अंदर हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं इनमें से सबसे पहली स्टेटमेंट आती है इनिशियलाइज करने के लिए तो इनिशियलाइज करते हैं हम एक वेरिएबल के साथ जिसे हम यूजुअली आई या जे नाम दे देते हैं इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब जो चीज़ जो वेरिएबल हम नॉर्मली बाहर डिक्लेयर कर सकते थे उसे हम फॉर लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं तो फॉर के अंदर हमने लिख दिया आई इज इक्ल टू ज़ीरो या आई इज इक्ल टू वन से अगर इसकी वैल्यू शुरू कर दें और दूसरी जो स्टेटमेंट आती है वो आती है कंडीशन की कि जब तक हमारा i लेस देन इक्वल टू हंड्रेड है मतलब i की वैल्यू शुरू करेंगे हम वन से और i की वैल्यू जब तक हंड्रेड से कम रहेगी या हंड्रेड के इक्वल रहेगी तब तक हम इस लूप को रन करना चाहते हैं रिपीट करना चाहते हैं और तीसरी स्टेटमेंट हमारी आती है अपडेट करने के लिए तो अपडेट हम i को कर रहे होंगे i प्लस प्लस से या फिर i इज इक्वल टू आई प्लस वन से तो हमें पता है यूनिरी ऑपरेटर में प्लस प्लस ऑपरेटर का मतलब प्लस वन ही होता है तो लूप में क्या हो रहा है i को हमने वन से इनिशलाइज किया और i को हम i प्लस वन बना रहे हैं तो एक बार हम लूप चलाएंगे तो i की वैल्यू लूप खत्म होने के बाद वन से बढ़ जाएगी अगली बार चलेगा फिर से i की वैल्यू बढ़ जाएगी अगली बार चलेगा फिर से i की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड ये वैल्यू बढ़ेगी जब तक हमारा i इज़ लेस देन इक्वल टू हंड्रेड रहता है इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे हम प्रिंट करवा लेते हैं हमारे आई को तो इस तरीके से हमने जो फॉर लूप है उसको कंप्लीट कर लिया है इसका आउटपुट अगर हम देखना चाहें तो इसे रन करके देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो गए हैं नंबर्स और हमारे नंबर्स वन से शुरू हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एंड तक मतलब हंड्रेड तक हमारे लिए ये नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से तीन स्टेटमेंट्स को यूज करके हमारा फॉर लूप काम करता है अब अगर इसी लूप में हमें से हंड्रेड की जगह हंड्रेड से वन प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉमेंट कर देते हैं कि हम हंड्रेड से वन तक प्रिंट करने वाले हैं अब आई को हम इनिशियलाइज करेंगे 100 से मतलब पहले i की वैल्यू की शुरुआत हो रही थी 1 से अब वो शुरू होने वाला है 100 से एंड आई के लिए कंडीशन क्या रखेंगे कि हमें जब तक आई को प्रिंट करवाना है जब तक आई की वैल्यू रहती है ग्रेटर देन या इक्वल टू वन तो जब तक हंड्रेड से लेकर आई वन से बड़ा होता है तब तक हमें आई को प्रिंट करवाना है एंड अब आई को अपडेट करने की कंडीशन में हमें आई प्लस वन नहीं लिखना हमें लिखना है आई माइनस वन क्योंकि हंड्रेड से वैल्यू शुरू होकर हम हर स्टेप के बाद आई को डिक्रीज बाय वन कर देंगे तो इसी तरीके से डिक्रीज बाय वन होकर फाइनली उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी वन तो आई इज इक्वल टू आई माइनस वन हम लिख देंगे और प्रिंट करेंगे हम आई को अब इस स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आया है जिसमें हमारा आई प्रिंट हुआ है पहले 100 फिर 99 फिर 98 और इसी तरह फाइनली हमारे पास जो आउटपुट आया है वो है वन ये बात कर लिया हमने फॉर लूप्स की जो आगे से भी शुरू हो सकते हैं पीछे से भी शुरू हो सकते हैं अब बात करते हैं वाइल लूप्स की वाइल का हिंदी में अगर मतलब निकाले तो वो होता है जब तक तो वाइल के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं मतलब हमारा जो लूप है वो कंडीशन के हिसाब से चलता है अब वाइल के अंदर हम एक कंडीशन लिख देते हैं और उसके ब्लॉक के अंदर जितनी भी लाइंस लिखी होती हैं वाइल का सिंटैक्स ये कहता है कि आप उन लाइंस को जब तक रन करते जाइए जब तक आपकी वाइल की कंडीशन ट्रू है अब हम इस सेम हंड्रेड से वन वाले लूप को वाइल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि वाइल में एक्चुअली होता क्या है अब वाइल लूप अगर हमें लिखना है इस कोड के लिए इस फॉर लूप के लिए तो वो कैसे लिखेंगे वाइल हमारा जो i है वो रहे ग्रेटर देन इक्वल टू वन तब तक हमें क्या करना है तब तक हमें प्रिंट करवाना है अपने i को और इससे पहले हमें i को डिक्लेयर करना पड़ेगा मतलब i इज इक्वल टू हंड्रेड हमें वैल्यू देनी पड़ेगी अब इसमें पूछ सकते हैं कि यहां पर हमने ऑलरेडी आई को डिक्लेयर किया हुआ है तो अब इसे यहां पर हम दोबारा क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि फॉर लूप के अंदर जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं वो सिर्फ फॉर लूप के लिए ही होते हैं वो हम कहीं बाहर नहीं डिक्लेयर कर सकते उनको ना कहीं बाहर यूज कर सकते हैं ऑल्सो जावा के अंदर अगर एक नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा सेम नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते नहीं तो एरर आ जाएगा क्योंकि जावा कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि जब भी आप किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा वेरिएबल था अगर सेम नाम के दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर दिए तो तो वाइल लूप के अंदर जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं तो फॉर लूप के अंदर जो हमने इंट आई डिक्लेयर किया था वो तो सिर्फ उस फॉर लूप के लिए था वाइल लूप के लिए हमें अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और इसे हमने सेम नाम दिया है इसे कुछ और नाम भी दे सकते थे इसे हम जे भी कह सकते थे अगर इसे जे नाम दे दें तो को 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 हमने किया किया उसको किया, 100 से जे की पर पर डाली है है जब तो वो greater than one रहती है, तब तक तक वो रहती तब हम प्रिंट कर रहे जे को। पर अब जे को हमें हर मतलब एक बार लूप करे, एक बार करे, बार करे करे काम उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी बाय वन अब उसे हम कहा हो जाता था क्योंकि फॉर लूप में तीन स्टेटमेंट्स लिखते थे लेकिन वाइल के अंदर हमें अलग से एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी तो उसे लिखते हैं जे इज इक्वल टू जे माइनस वन तो इस तरीके से हमने जे को डिक्रीज बाय वन कर दिया है तो यहां इनिशियलाइज किया यहाँ कंडीशन दी यहाँ पर प्रिंट कर दिया और यहाँ पर डिक्रीज बाय वन कर दिया तो ये हमारा जो पूरा वाइल्ड लूप है वो कंप्लीट हो गया है अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है तो हम ऊपर वाला जो जो फॉर लूप है इसे कॉमेंट आउट करके बार रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है वो शुरू हुआ है हंड्रेड से फिर नाइनटी नाइन एट तो इस तरीके से वाई लूप से भी हमने सेम काम कर दिया जो हमने किया था फॉर लूप की हेल्प से अब बात करते हैं हम डू वाइल लूप की तो डू वाइल लूप भी वाइल्ड लूप जैसा होता है बस एक डिफरेंस होता है जैसे वाइल लूप के अंदर शुरुआत में हम कंडीशन चेक करते हैं और कंडीशन ट्रू होती है तभी हम अंदर का जो कोड है उसको रन करते हैं बट डू वाइल के अंदर पहले हम कोड को रन करते हैं और फिर कंडीशन चेक करते हैं अब इसी सेम कोड के लिए अगर हम डू वाइल लूप लिखना चाहें तो उसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं तो हम एक और नया वेरिएबल बना लेते हैं के इज इक्वल टू हंड्रेड एंड डू क्या करना है मतलब काम क्या करना है हमें हमें प्रिंट करवाना है के की वैल्यू को एंड उसके बाद हमें के को डिक्रीज करना है बाय वन एंड यहां पर डू के बाद हम लिखते हैं वाइल्ड स्टेटमेंट मतलब डू वाइल में वाइल के साथ हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी एंड उसी के हिसाब से हमारे लूप्स की जो कंडीशन हैं वो रन कर रही होंगी तो डू वाइल में वाइल में हम लिखते हैं कंडीशन और वो कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा अगली आइटरेशन अगली बारी के लिए लूप रन करता है नहीं तो हम उस लूप से बाहर निकल जाते हैं तो वाइल में हम लिखेंगे जब तक के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और यहां पर आएगा हमारा टर्मिनेटर जो कि है सेमी कोलन तो देखे तो वाइल में हमें कोई सेमी कोलन नहीं लगाना पड़ा एंड में लेकिन डू वाइल में वाइल कंडीशन के बाद हम ये सेमी कोलन लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि यहां पर हमारा जो डू वाइल लूप है वो खत्म हो गया है तो अब अपने वाइल को हम कमेंट आउट करते हैं और डू वाइल को रन करके देखते हैं कि हमारे लिए आउटपुट क्या निकल के आएगा तो हमारे लिए जो आउटपुट आया है डू वाई से वो भी सेम आउटपुट है जहां पर पहले हंड्रेड प्रिंट हो रहा है फिर नाइनटी नाइन एंड एंड में जाते जाते हमारे लिए प्रिंट हो रहे हैं थ्री टू एंड वन अब डू वाई लूप को यूज करके एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे कुछ कुछ नंबर्स और इन नंबर्स को हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे और ये नंबर्स हम तब तक इनपुट लेंगे जब तक यूजर हमें स्टॉप नहीं कह देता स्टॉप कहने का मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ले रहे होंगे यूजर से लेकिन जैसे ही यूजर ने लेस देन जीरो का कोई नंबर हमें इनपुट में दे दिया वहीं हम रुक जाएंगे उस लूप के अंदर तो देखते हैं कि डू वाई की हेल्प से इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो सबसे पहले बना लेंगे हम अपनी स्कैनर क्लास इसमें पास करेंगे हमारा सिस्टम डॉट इन क्योंकि हम इनपुट लेने वाले हैं उसके बाद हम बनाएंगे एक डू वाइल लूप जिसके अंदर यहां लिखेंगे हम वाइल कंडीशन को अब हमें करना क्या है हमें सबसे पहले ये करना है कि यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे पहले यूजर से पूछ लेंगे कि उन्हें इनपुट में क्या देना है इनपुट नंबर एंड जो भी नंबर वो देंगे उसे स्टोर करा लेंगे इस नंबर नाम के वेरिएबल में तो हम इंटीजर वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड फिर हम वापस इस नंबर को करा देंगे प्रिंट तो यहां हम यूज करेंगे प्रिंट एंड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एल एन क्यू क्योंकि प्रिंट से जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी लेकिन प्रिंट एलन से कराएंगे तो नेक्स्ट लाइन आएगी तो हम हेयर इज योर नंबर एंड हमारा नंबर दोनों सेम लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पहले प्रिंट यूज करेंगे फिर प्रिंट एलन एंड हमारी कंडीशन क्या होगी हमें लूप को तब तक रन करना है जब तक हमारा नंबर लेस देन जीरो नहीं है तो हम यहां पर कंडीशन डालेंगे जब तक नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब ये नंबर पर इसने रेड दे दिया यानी एरर दे दिया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि नंबर को हमने डिक्लेयर किया है लूप के अंदर तो इसे हम लूप के बाहर यानी वाइल स्टेटमेंट में यूज नहीं कर सकते इसीलिए अपने नंबर को हमें बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा इस नंबर को हम बाहर डिक्लेयर करते हैं और मतलब यहां से हम हटा देंगे इंट एंड इसे स्कैनर के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो के साथ बट जावा में अगर हम इनिशियलाइज नहीं भी करेंगे तब भी हमारा जो नंबर है इंटीजर नंबर वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा अब हमने ये पूरा कोड लिख लिया है एंड फाइनली इस लूप के बाहर जब कंट्रोल आ जाएगा मतलब यूजर ने जो है वो माइनस वन माइनस टू जैसा कोई नंबर प्रिंट करवाने की कोशिश की और उसके बाद लूप से हम बाहर आ गए तो उस केस में यहां बाहर आकर हम प्रिंट करवा देंगे दी एंड तो इसे सेव करके रन करते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है इनपुट नंबर हम इनपुट करते हैं टू तो हमारे लिए टू प्रिंट हो गया अब दोबारा से अगर हम इनपुट करना चाहें तो इनपुट करेंगे फाइव तो ऐसे हमारे लिए फाइव प्रिंट हो गया एक और नंबर डाल दें टेन तो हमारे लिए टेन जो है वो प्रिंट हो गया बट अब हमें और नंबर इनपुट नहीं करने इसलिए डालेंगे माइनस वन माइनस वन जैसे ही प्रिंट हुआ हमारे पास आउटपुट विंडो में आ गया है दी एंड एंड हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया विद एग्जिट कोड जीरो तो इस तरीके से डू वाइल को यूज करके हमने छोटी सी एक्सरसाइज कर लिया अगर आपको यूजर से बार 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 इनपुट लेना है जावा के अंदर तो आप इस तरीके से डू वाइल लूप लगा सकते हैं वाइल लूप के अंदर आपको एक कंडीशन रख सकते हैं जिसकी हेल्प से आप उसे एंड कर सकते हैं अब हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट की को जो है ब्रेक और कॉन्टिन्यू हमने ऑलरेडी ब्रेक को थोड़ा थोड़ा स्विच में डिस्कस किया है कि ब्रेक का यूज जो होता है वो किसी भी सिचुएशन से किसी भी ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए यूज होता है अब लूप्स के कंटेक्स में देखते हैं कि हम ब्रेक और कॉन्टिन्यू को कैसे यूज कर सकते हैं अब ब्रेक का अगर हिंदी में मतलब समझे तो वो होता है किसी चीज को तोड़ देना मतलब यहां से कंट्रोल को हम तोड़ रहे हैं इस ब्लॉक से हम बाहर निकल रहे हैं कंट्रोल को तोड़कर और कॉन्टिन्यू का अगर हम हिंदी में मतलब समझें तो वो होता है किसी चीज को चलाए रखना तो अगर हमें किसी चीज को चलाए रखना है किसी चीज को रिपीट करना है तो उसके लिए हम कॉन्टिन्यू यूज कर सकते हैं तो अब एक बार कोड लिखकर देखते हैं कि ब्रेक और कॉन्टिन्यू का मतलब जावा के कोड्स के अंदर क्या होता है हम क्या करेंगे एक वाइल्ड लूप बनाते हैं और इस वाइल लूप को कब तक चलाएं हम इसे चलाते हैं इनफाइनाइट टाइम्स भी लूप को या किसी भी लूप को हम इनफाइनाइट टाइम्स कैसे चलाएं उसकी कंडीशन में हम हमेशा ट्रू कर देते हैं तो अगर हम यहां लिख दें ट्रू तो ये वाइल्ड लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा मतलब चलता ही रहेगा रुकेगा नहीं अब अगर इसे रोकना है तो हमें ब्रेक जैसे कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा अब उसे कैसे करें तो हम क्या करेंगे ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं i i की वैल्यू शुरू करते हैं जीरो के साथ एंड हम क्या करने वाले हैं जीरो से लेकर फाइव तक हम i को प्रिंट करवाएंगे 5 से अगर बड़ी होगी i की वैल्यू तो फिर हम लूप से कर जाएंगे एग्जिट तो हमें क्या करवाना है प्रिंट करवाना है i को फिर i को इंक्रीज कर देंगे बाय वन तो i इज इक्वल टू आई प्लस वन मतलब i प्लस वन की जो वैल्यू होगी एक बढ़कर वो बाई में स्टोर हो जाएगी एंड अगर हमारा i ग्रेटर देन फाइव हो जाता है तो उस केस में हम कर जाएंगे ब्रेक तो इस कोड को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं i को हमने शुरू किया जीरो के साथ हमारा वाइल लूप फिर हमने रन किया वाइल की कंडीशन में हमने ट्रू लिख रखा है मतलब वाइल लूप हमेशा रन करेगा अब सबसे पहले प्रिंट करवा देंगे आई को फिर आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे बाय वन फिर देखेंगे कि क्या आई की वैल्यू ग्रेटर हो गई है मतलब हमें अगला लूप रन करना है या इस लूप से हमें बाहर निकलना है वाइल लूप से बाहर निकलना है अगर ग्रेटर देन फाइव हो गई है तो हम ब्रेक लिख देंगे ब्रेक यानी अब ये लूप खत्म हो गया अब आप यहां से बाहर निकलिए तो इतना हमें अगर प्रिंट करवाना है तो उसको रन करते हैं कोड को तो ये हमारे लिए कोड प्रिंट हो गया मतलब आउटपुट प्रिंट हो गया तो आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट हुआ जीरो जीरो प्रिंट हुआ होगा तो यहां पर आकर प्रिंट हुआ होगा फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी बाय वन फिर प्रिंट हुआ होगा वन फिर टू एंड सिमिलरली जब पांच प्रिंट हुआ होगा यहां पर आकर तो आई की वैल्यू बन गई होगी और जब I की वैल्यू बनी तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई मतलब आई विच इज सिक्स इज ग्रेटर देन तो तब हमने इस ब्रेक कंडीशन को एग्जीक्यूट किया और तब हम इस लूप से बाहर निकल गए तो इस तरीके से जीरो से लेकर फाइव तक हमने आई की वैल्यूज प्रिंट कर दी हैं अब अगर हम सेम चीज प्रिंट करना चाहते हैं मतलब जीरो से लेकर फाइव तक i की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन हम उसमें एक और कंडीशन डाल दें कि जब भी थ्री प्रिंट होना चाहे, वो प्रिंट ना हो बाकी से लेकर फाइव तक सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएं, तो थ्री के लिए हमें एक और स्पेशल कंडीशन लिखनी पड़ेगी अब थ्री के लिए हम ये तो नहीं लिख सकते कि अगर थ्री हो जाता है तो आप ब्रेक कर जाइए और लूप से बाहर निकल जाइए क्योंकि लूप से बाहर निकल गया कंट्रोल तो बाकी की वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी मतलब फोर एंड फाइव प्रिंट नहीं होगा तो थ्री के लिए हम लिखेंगे कॉन्टिन्यू की वर्ड कहने का ये मतलब है कि आप ये जो बाकी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले थे उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करना उन सबको स्किप करना है एंड वापस से आप वाइल पर चले जाएंगे मतलब कंटिन्यू कर दीजिए ये वाली जो करंट टर्न है मतलब अभी वाली हमारी जो बारी चल रही है लूप की उसको हमें स्किप कर देना है अगली बारी पे जाना है तो कोड के अंदर हम एक कंडीशन डाल देंगे जो कि होगी कि अगर हमारा जो आई है वो थ्री के इक्वल होता है तो आप कर दीजिए कंटिन्यू लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो हमारा थ्री कभी फोर तो बनेगा ही नहीं इसीलिए यहां पर पहले हम आई को कर देते हैं अपडेट यानी आई प्लस वन और फिर कर देते हैं कंटिन्यू तो क्या होगा जब भी आई थ्री के इक्वल होगा वो थ्री फोर बन जाएगा और हमारा कंटिन्यू जो है वो कॉल हो जाएगा तो कंटिन्यू कीवर्ड को हमने यूज कर लिया अब इस कोड को रन करके देखते हैं और फिर इसे अच्छे से हम डायसेक करेंगे देखेंगे कि कोड का आउटपुट आया कैसे तो हमारे कोड में हमारे लिए जो आउटपुट आया है दैट इज जीरो वन टू फोर फाइव इसमें थ्री हमारे लिए प्रिंट नहीं हुआ क्यों क्योंकि जब आई जीरो था तब वाइल तो हमेशा ट्रू ही है मतलब वाइल लूप तो हमेशा रन ही करेगा तो जीरो था तो जीरो प्रिंट हो गया बढ़कर हो गया एक एक था तो एक प्रिंट हो गया बढ़कर हो गया दो, दो था तो दो प्रिंट हो गया बढ़कर हो गया तीन अब तीन जब हुआ और यहां पर वाइट लूप के अंदर एंटर किया तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई तीन थी वैल्यू तो तीन बढ़कर हो गई चार और अभी तीन प्रिंट नहीं हुआ आय की वैल्यू अपडेट होकर हो गई है चार फिर हमने लिख दिया कंटिन्यू कंटिन्यू यानी बाद वाली स्टेटमेंट्स जो है वो स्किप हो गई अब इसमें से कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं करेगी अभी आय हमारा है चार और कंटिन्यू होकर वापस यहां आ जाएगा अब आय है चार तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई नहीं आई चार यानी इससे हमने प्रिंट कर दिया आई को बढ़ाकर कर दिया पांच उसके बाद हमने देखा क्या पांच से बड़ा है आई नहीं वापस वाई लूप के अंदर आए यहां पर आकर दोबारा पांच को प्रिंट कर दिया एंड आई बन गया छः अब जब भी आई छह बनेगा तो इस कंडीशन में आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जब भी ग्रेटर देन फाइव हमारा हो जाएगा तब हम कर देंगे ब्रेक ब्रेक कर देंगे तो लूप से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद हमारे लिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा होगा तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनका यूज हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में आगे जाकर करेंगे तो इस तरह से ब्रेक एंड कंटिन्यू दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है अब बात करते हैं जावा के कोड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक्सेप्शन कोड में की हुई कुछ कुछ गलतियां होती हैं जो या तो हमसे हो जाती हैं या किसी कारण हम कोड में लिख देते हैं और इन गलतियों की वजह से हमारा कोड जो है हमारा कंपाइलर वो थ्रो करता है एक्सेप्शन अब एरर्स जैसी होती हैं पर एरर्स नहीं होती इसका क्या मतलब है कि जावा के कोड के अंदर अगर कोई भी एरर अकर करता है कोई भी बड़ी गलती होती है तो वहीं पर हमारा कोड जो है रुक जाता है उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी लेकिन एक्सेप्शन केस में हम कोड के अंदर उन एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं एंड बाकी का जो कोड है हम उसको रन कर सकते हैं उस एक्सेप्शन को कैच करने के बाद तो इस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है अब जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारी कोई वेबसाइट है हमारी इंटरनेट पर और उसका कोई डेटाबेस है अब हम कोई डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं डेटाबेस से वेबसाइट पर और हमारे में में कोई एरर आ गया तो उस में तो उस सिचुएशन हमारी वेबसाइट जो है वो पूरी ठप हो जाएगी मतलब वो काम नहीं करेगी उसमें एरर आ गया लेकिन अगर एक्सेप्शन आई डेटाबेस में तो क्या होगा डेटाबेस भले ही काम ना करे लेकिन वेबसाइट के बाकी जो कॉम्पोनेंट हैं वो काम कर रहे होंगे तो इस तरीके से एक्सेप्शन और एरर्स में

एंड अब अगर हमें किसी सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करवाने हैं तो उसको कैसे प्रिंट करवाएंगे हम लिखेंगे मार्क्स मार्क्स ऑफ अगर हमें इंग्लिश के प्रिंट करवाने हैं हैं लेकिन मान लेते हैं कि हम कोई थर्ड सब्जेक्ट नहीं किसी फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या किसी फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जो हमारे एरे के अंदर हमने स्टोरी नहीं किए तो यहां पर हम करके देखते हैं फाइव अगर हम इस तरीके से फाइव प्रिंट करवाना चाहें और इसको रन करें तो कुछ ऐसा प्रिंट होता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग्वेज और एक्सेप्शन का नाम क्या है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरे का जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड चला गया है उसकी कैपेसिटी से बाहर चला गया है क्योंकि हमारे एरे की जो कैपेसिटी थी वो तो तीन एलिमेंट्स की थी लेकिन हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपना फिफ्थ इंडेक्स वाला यानी छठा एलिमेंट जो कि उसकी कैपेसिटी से उसके बाउंड से बाहर जा रहा है इसीलिए हमारे कोड ने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी है और एक्सेप्शन में डिटेल में जाए तो इंडेक्स फाइव आउट ऑफ बाउंड लेंथ थ्री मतलब तीन की लेंथ है एरे के पास और इंडेक्स फाइव आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एरे की बाउंड को एक्सीड कर रहा है अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसी कोई गलती ऐसी कोई एक्सेप्शन आ भी जाए कोड के अंदर तो बाकी की जो चीजें हैं वो प्रिंट होती रहें। बाकी की चीजें यानी अगर हमने मार्क्स एक्सेस करने की कोशिश की थी एंड उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे थे कि द स्टूडेंट इज अमन तो उस केस में अगर हम कोड को रन भी करें तो एक्सेप्शन तो आ जाए पर ये नेम भी प्रिंट हो साथ के साथ पर ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि एक बार अगर एक्सेप्शन आ गई तो उसके बाद वाली लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हुई अब अगर हमें उसके बाद वाली लाइंस एग्जीक्यूट करवानी है तो हमें यूज करना पड़ेगा ट्राई एंड कैच का किस तरीके से जिस भी स्टेटमेंट में हमें लगता है कि यहां पर एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी है यहां पर कोडर जो है प्रोग्रामर वो गलती कर सकता है उसकी वजह से चीजों में एक्सेप्शन आ सकती है उन सारी स्टेटमेंट्स को हम लिख देते हैं इस ट्राई के अंदर कि आप ट्राई करके देखिए स्टेटमेंट को रन करने की कोशिश कीजिए रन करने का ट्राई करिए और एक्सेप्शन आए तो उसको हैंडल कर लीजिए एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे उस एक्सेप्शन को कैच करके तो कैच करने के लिए भी एक कीवर्ड होता है कैच जिसके अंदर हम इस तरीके से एक्सेप्शन लिखेंगे एक्सेप्शन और कैच का भी अपना एक ब्लॉक हम बना सकते हैं अब इस कैच के अंदर हम वो चीजें लिखेंगे डू थिंग्स आफ्टर कैचिंग तो इस कैच ब्लॉक के अंदर हम वो सारी चीजें वो सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिन्हें हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एक बार हमने एक्सेप्शन को कैच कर लिया उसके बाद तो हमारे कोड में क्या हुआ हमने मार्क्स एरे जो है उसको बनाया था अब हम ट्राई कर रहे हैं कि मार्क्स के अंदर हम किसी भी इंडेक्स जो है वहां पर जाकर मार्क्स को एक्सेस कर लें अब हमें पता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर कोई एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी है मतलब इंडेक्स अगर हमने गलत लिखा तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है अगर एक्सेप्शन आ जाए तो उसको आप कैच कर लीजिए

कि यहां पर एक्सेप्शन आई होगी जिसे हमने ट्राई किया था यहां पर वो एक्सेप्शन कैच हो गई होगी उसके साथ हमने अभी कुछ किया नहीं इसीलिए ब्लॉक खाली है पर उसके बाद वाली जो लाइन है द स्टूडेंट नेम इज अमन वो पहले प्रिंट नहीं हुई थी लेकिन वो अब प्रिंट हो गई क्योंकि एक्सेप्शन को हमने हैंडल कर लिया तो इस तरीके से एक्सेप्शन कॉज करने वाली स्टेटमेंट्स को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं और एक्सेप्शन को कैच करने के बाद क्या करना चाहते हैं हम वो सब हम लिखते हैं अपने कैच ब्लॉक के अंदर एंड फाइनली ट्राई कैच के बाद वाली जो सारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रही हैं अगर हमारे कोड में एक्सेप्शन आता है तब भी अब जावा के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है मेथड्स मेथड्स क्लासेस में लिखे हुए फंक्शंस को हम कहते हैं जावा के अंदर मेथड्स क्या होते हैं या फंक्शंस क्या होते हैं फंक्शंस का मतलब है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना जैसे एक थर्मोमीटर का एग्जाम्पल लें तो वो क्या करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और उसी टेम्परेचर को हमें दिखा देता है तो एक तरह से उसने टेम्परेचर या बॉडी हीट का इनपुट लिया और जो नंबर है वो हमें दिखा दिया तो हमें कुछ आउटपुट दे दिया वैसे ही फोन के अंदर जब वॉल्यूम बटन को दबाते हैं तो वो प्लस वाला बटन जब दबा रहे होते हैं तो फोन की वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है इसमें क्या हुआ बटन ने हमसे दबाने वाला इनपुट लिया और फोन की वॉल्यूम हमें एक आउटपुट दे दिया तो वैसे ही अगर हम एक रिमोट का एग्जाम्पल लें तो रिमोट को हम मान लेते हैं क्लास और उसके अंदर प्रेजेंट जो बहुत सारे बटन हैं उनको हम मान लेते हैं इंडिविजुअल मेथड्स तो किसी भी मेथड को हम प्रेस करें मतलब उसे कुछ इनपुट दें तो वो कुछ आउटपुट हमें देगा अगर हमें चैनल आगे बढ़ाना है तो उस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा चैनल आगे बढ़ जाएगा मतलब इनपुट दिया आउटपुट आया और ये बहुत सारे मेथड एक सिंगल रिमोट के अंदर हमें मिल जाते हैं और इसी रिमोट को जावा के अंदर हम कह देते हैं क्लास तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं इन मेथड्स का अलग अलग काम होता है अब हम अपनी मेन क्लास के अंदर कुछ अपने ही मेथड्स बनाने की कोशिश करते हैं इन मेथड्स को समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से बट हमें याद रखना है कि मेथड को हम कुछ इनपुट देते हैं कभी कभी ये इनपुट नल भी होता है मतलब हम कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे और फिर वो मेथड हमें कुछ आउटपुट रिटर्न करता है अगर वो ऐसा मेथड है जिसको कुछ आउटपुट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करता बस हमारे लिए कुछ काम करके हमें दे देता है अब इसको कोड की हेल्प से समझ देखते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या है अब मान लेते हैं कि कोड में हमें बार बार जो है वो प्रिंट करवाना है हेलो जावा को तो दोबारा से हम लिखेंगे हेलो जावा अब हम देख पा रहे हैं कि बार 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 हम इस स्टेटमेंट को लिख रहे हैं मतलब ये काम बार बार रिपीट हो रहा है हमारे कोड के अंदर तो जब भी हम कोड के अंदर ऐसे काम देखें जो रिपीट होते जा रहे हैं तो हम क्या करें उनके लिए एक मेथड बना दें और इस मेथड के कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें बार बार हेलो जावा प्रिंट करवाना है तो जैसे हमने ये मेन मेथड बनाया हुआ है मेन क्लास के अंदर वैसे ही हम एक और बना दें पब्लिक स्टैटिक वॉइड यानी इन तीनों कीवर्ड्स को हमें लिख देना है और यहां पर लिखना है प्रिंट जावा तो ये हमने बना दिया अपना एक मेथड यहाँ पर जो पब्लिक है और स्टैटिक है ये जब जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होंगे तब इन दोनों कीवर्ड्स का हमें अच्छे से मतलब समझ में आएगा अभी के लिए ये मान लेते कि हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है प्रिंट जावा हम अपने फंक्शंस को अपने मेथड्स को कोई भी नाम दे सकते हैं हम पहचान कैसे कि हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस के सामने दो पेरेंथेसिस लगे होते हैं इस पेरेंथेसिस के अंदर अगर हमें कोई इनपुट लेना होता है तो उस इनपुट को हम ले रहे होते हैं लेकिन प्रिंट जावा के अंदर हमें किसी इनपुट की जरूरत नहीं है और ये जो आउटपुट रिटर्न करता है उसका भी हमें टाइप लिखना पड़ता है जब भी कोई फंक्शन अगर मान लीजिए हमें कोई नंबर रिटर्न कर रहा है तो उसका आउटपुट में टाइप हमें इंट लिखना होता है या फ्लोट लिखना होता है या डबल लिखना होता है स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो आउटपुट में हमें स्ट्रिंग लिखना होता है लेकिन हमारा प्रिंट जावा फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा मतलब void दे रहा मतलब दे है यानी खाली तो यहाँ पर आउटपुट में रिटर्न का टाइप हम दे देंगे वाइड अब प्रिंट जावा फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो जावा को एंड बस हम इतना ही प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने प्रिंट जावा फंक्शन से तो इस स्टेटमेंट इन तीन स्टेटमेंट्स को यहाँ से हम हटा देंगे और क्या करेंगे प्रिंट जावा को कॉल कर लेंगे किसी फंक्शन को कॉल करने का मतलब उसे बुलाना होता है जैसे फोन के ऊपर हम वॉल्यूम बटन को दबा रहे होते हैं वैसे ही हमें मेन फंक्शन के अंदर उसे कॉल करने के लिए उसका नाम लिखना पड़ेगा फंक्शन के दो पैरेंथेस लिखने पड़ेंगे और फिर लगाना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर और फिर लगाना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तीन बार तीन बार हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो हमारे फंक्शन है वो तीन बार हमें हेलो जावा प्रिंट करके दे देगा अब इसे रन करके देखते हैं तो हमारे आउटपुट में हमें तीन बार हेलो जावा मिल गया लेकिन जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वाली स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ये हमें तीन बार नहीं लिखनी पड़ी हमें सिर्फ इस फंक्शन का छोटा सा नाम लिखना पड़ा अपने मेन फंक्शन के अंदर तीन बार। तो इसी तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे हमारे टास्क होते हैं, जिनको बार -बार होते हैं। जिनको बार-बार करना होता है। उन्हें वो आसान कर देते हैं। उनके लिए छोटा सा को तो वही अपने की लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक और यहां पर वॉइड टाइप क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ नाम को प्रिंट करवाएगा प्रिंट नेम इसे नाम दे देते हैं तो अब इस फंक्शन के अंदर हमें नाम कैसे मिलेगा नाम को हम एज इनपुट लेंगे इनपुट कैसे लेंगे यहां पर लिख देंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम। तो हमें टाइप का एक नाम चाहिए होगा एज एन इनपुट फॉर दिस फंक्शन जो हमें इस फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा अब प्रिंट कर देंगे और यहां पर प्रिंट करवा देंगे अपने नाम को अब इन तीनों कॉल्स को हटाकर हम कॉल कर देते हैं प्रिंट नेम को और प्रिंट नेम के अंदर हमें कोई नाम पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का तो यहां पर हम पास कर देते हैं अमन तो अमन अगर हम पास करें और इस प्रिंट नेम को कॉल करें तो देखते हैं हमारे लिए क्या प्रिंट होगा तो हमारे लिए आउटपुट में प्रिंट हो गया है अमन अब दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट नेम और इसमें लिख देते हैं अक् तो पहले अमन हमारे लिए प्रिंट हो गया एंड देन प्रिंट हो गया अकू तो इस तरीके से बार बार अगर हमें अलग अलग नाम प्रिंट करवाने हैं तो बार बार आउटपुट स्टेटमेंट लिखकर अलग अलग नाम हमें देने की जरूरत नहीं है हम एक ही फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर इनपुट अलग अलग पास कर देंगे और उन्हीं इनपुट्स के हिसाब से हमारे जो अलग अलग नाम हैं वो प्रिंट हो जाएंगे अब एक और एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से मेथड्स को समझते हैं मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं A और बी अब इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है तो इनको ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जो दोनों नंबर्स को ऐड कर देता है और उनको प्रिंट कर देता है अब उसे बनाने के लिए हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक तो ये कीवर्ड्स हैं जो ऊप्स में यूज होते हैं और फिर लिखेंगे वॉइड क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे हम इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा देंगे अपने सम को इसे नाम दे देते हैं प्रिंट सम प्रिंट सम के अंदर हम लेंगे एक इंटीजर टाइप का इनपुट ए और एक इंटीजर टाइप का इनपुट बी तो अगर हमें एक इनपुट लेना था तो वो तो हमने नॉर्मली लिख दिया था पहले वाले फंक्शन में स्ट्रिंग नेम लेकिन हमें दो लेने हैं तो उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं यानी ये पहला इनपुट है ए ये दूसरा इनपुट है बी और दोनों का टाइप हमने इंटीजर रखा है हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर इंट ले सकते थे यहाँ हम स्ट्रिंग टाइप का कोई इनपुट बी ले लें पर हमारे यूज केस में हमें दो नंबर्स का सम लेना है तो दोनों का टाइप इंटीजर है और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे सम सम में हम ए प्लस बी कर देंगे ए प्लस बी करके हमने सम कैलकुलेट कर लिया और फिर प्रिंट करवा देंगे हम इस सम को तो यहां पर हम कॉल करते हैं प्रिंट सम को पास करेंगे दो नंबर्स पहला नंबर ले लेते ले ले हैं वन दूसरा ले लेते ले हैं सिक्स तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया कि वन यानी ए है वन और सिक्स बी में वैल्यू जा रही है मतलब बी की वैल्यू है सिक्स अब इस कोड को रन करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे लिए जो आउटपुट प्रिंट हुआ है दैट इज सेवन यानी हमने ए में वन पास किया था बी में सिक्स पास किया था तो वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन हमारे पास सम कैलकुलेट हुआ होगा और वो हमारे आउटपुट विंडो में प्रिंट हो गया है तो इस तरीके से जावा के अंदर मेथड्स जो हैं फंक्शंस जो हैं वो काम करते हैं उनसे आप कुछ भी काम करवा सकते हैं उनको कुछ भी किसी भी टाइप का इनपुट दे सकते हैं किसी भी टाइप का उनसे आउटपुट ले सकते हैं और उनकी वजह से बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाता है अब ऐसा ही एक मेथड ऐसा एक फंक्शन है मेन फंक्शन मेन फंक्शन के आप अंदर देखेंगे तो इनपुट टाइप जो है वो है स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो हमारी टर्मिनल विंडो के अंदर शुरुआत में हम कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं ऑल दो नॉर्मल कोडिंग के अंदर हम इन आर्ग्यूमेंट्स को पास नहीं कर रहे होते लेकिन अगर हम इनपुट की बात करें तो ये इसका इनपुट रहता है इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है मतलब मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता एंड में और पब्लिक स्टैटिक वही आइडेंटिफायर्स हमारे आ जाते हैं ऊपस के अंदर कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कीवर्ड्स जिन्हें हम बाद में जाके समझ सकते हैं तो एक मेन एक सिंपल फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता लेकिन बहुत सारे काम इस फंक्शन के अंदर हम कर सकते हैं और ये सारी जो फंक्शंस हैं ये हमने अपने कोड में लिखे हैं अपनी मेन क्लास के अंदर तो क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं बहुत सारी नॉर्मल वैल्यूज भी होती हैं तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है मेथड्स की एंड आई होप कि हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स लिखकर खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि अलग अलग कौन से टाइप्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इनपुट आउटपुट में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं क्या क्या अलग अलग ऑपरेशन हैं जो एक मेथड परफॉर्म कर सकता है अब जावा के अंदर हम बनाने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके जिनके बारे में हमने अभी भी पढ़ा है

या फिर हमारा यूजर फाइनली थक कर स्टॉप नहीं कर देता तो शुरुआत में वन से लेकर हंड्रेड के बीच में कोई एक नंबर जनरेट करेंगे यूजर से पूछेंगे कि वन से हंड्रेड तक कोई नंबर करिए और यूजर अगर कभी थक जाते हैं नंबर करते करते तो उनको बस टाइप करना है माइनस वन टू स्टॉप जैसे ही यूजर माइनस वन टाइप कर देंगे मतलब कोई नेगेटिव नंबर टाइप कर देंगे स्टॉप करने के लिए वही हम रुक जाएंगे और वहां पर जाकर अपना रैंडम नंबर यूजर को दिखा देंगे कि ये नंबर हमने गेस करवाने की कोशिश की थी तो इस पूरे प्रोजेक्ट को कोड करके देखते हैं इसमें सबसे पहले हम जेनरेट करवाएंगे माय नंबर ये हम करवाएंगे मैथ क्लास के रैंडम फंक्शन की हेल्प से जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अब इस रैंडम फंक्शन के अंदर 0.0 से लेकर 1 तक की रेंज में कोई एक छोटा डेसिमल नंबर जो है रैंडमली जनरेट होता है और हमें तो उससे कोई बड़ा नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर को हंड्रेड से और फिर उसे पार्स कर देंगे हम इंट टाइप में ताकि वन से लेकर हंड्रेड के बीच में हमें कोई वैल्यू मिल जाए और वो वैल्यू हमने स्टोर कर ली माई नंबर के अंदर अब यूजर से पूछने के लिए कि नंबर क्या है हम एक डू वाइल लूप लगाएंगे डू में यानी सबसे पहले करके देखेंगे प्रॉम्प्ट के अंदर हम टाइप करवाएंगे गेस माई नंबर जिसके अंदर यूजर कोई नंबर गेस करेंगे उस नंबर को हम स्कैनर क्लास की हेल्प से इनपुट ले लेंगे तो सबसे पहले ऊपर स्कैनर क्लास एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हमारी जो स्कैनर क्लास का पैकेज है उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये हमने पैकेज जो है इंपोर्ट कर लिया है यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया अब इनपुट करेंगे नंबर को से स्टोर करवा देंगे यूजर नंबर में तो यूजर में आ जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट नेक्स्ट इंट फंक्शन से हमने नंबर को इनपुट ले लिया अब चेक करेंगे अगर हमारा यूजर का नंबर इक्वल हो जाता है हमारे नंबर से तो इस केस में प्रिंट करवाएंगे वो हू यहां लिखवा देते हैं करेक्ट नंबर पर अगर ऐसा नहीं होता है मतलब एल्स यहां पर थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि कोड हमारा जो है क्लीन लगे एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता है और हमारा यूजर का नंबर बड़ा है हमारे नंबर से तो हम उस केस में प्रिंट करवा देंगे योर नंबर इज लार्ज योर नंबर इज टू लार्ज नहीं तो वो छोटा ही होगा तो उस केस में हम नंबर के लिए प्रिंट करवा रहे होंगे योर नंबर इज टू स्मॉल तो इस तरीके से तीन कंडीशन हमने लिख ली हैं इफ एल्स इफ एल्स की फॉर्म में अगर यूजर का नंबर हमारे नंबर के इक्वल हो जाता है तो उसके प्रिंट करा देंगे वो हू करेक्ट नंबर नहीं तो यूजर का नंबर अगर हमारे नंबर से बड़ा है तो उस केस में प्रिंट करवाएंगे कि आपका नंबर बहुत लार्ज है इसे आप थोड़ा छोटा करिए नहीं तो हमारा जो फाइनल केस जिसमें यूजर का नंबर हमारे नंबर से छोटा है उस केस में प्रिंट करवा रहे हैं योर नंबर इज टू स्मॉल इसे आपको बड़ा करना है और अगर यूजर का नंबर हमारे नंबर के इक्वल है तो यहां पर हम करा देंगे ब्रेक क्योंकि अब हमें डू लूप को बार बार रन करने की जरूरत नहीं है तो यहां पर हम करा देंगे ब्रेक यहां पर हम ब्रेक नहीं करवाएंगे क्योंकि एक बार हमें यूजर से और पूछना है कि हमारा नंबर गेस करिए एंड इसके अंदर वाइल्ड कंडीशन क्या होगी वाइल्ड कंडीशन ये होगी कि जब तक हमारा जो यूजर नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है अब ये यूजर नंबर रेड में इसलिए आया क्योंकि हमने इसे डिक्लेयर किया है अपने डू लूप के अंदर और लूप के अंदर डिक्लेयर किए हुए वे वेरिएबल्स लूप के ही होते हैं वो वाइल में यूज नहीं कर सकते इसीलिए इसे हम बाहर इनिशियलाइज कर देते हैं यहां पर इसे लिख देते हैं तो हमारी स्कैनर नंबर यूजर नंबर लिख लिया इसे हमने इनपुट करवा लिया यूजर नंबर को हमने चेक कर लिया कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या नहीं एंड फाइनली क्या करेंगे हमारा नंबर हम प्रिंट करवा देंगे तो हम प्रिंट करवा देते हैं माय नंबर वाज इसे प्रिंट करवा देते हैं हम माय नंबर तो से हमने अपना पूरा कोड लिख लिया है इस कोड पे एक बार नजर मार लेते हैं ऊपर स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट किया फिर मेन फंक्शन के अंदर क्या किया स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई माई नंबर में कोई रैंडम नंबर हमने लिखा वन से हंड्रेड के बीच में यूजर नंबर को जीरो से इनिशियलाइज किया फिर एक डू वाई लूप चलाया यूजर ने कोई तो, तो उसके उस तरीके से प्रिंट करवा दी स्टेटमेंट अगर नंबर छोटा है तो वो प्रिंट करवा दिया और वाई लूप के अंदर कंडीशन डाल दी कि जब तक यूजर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यूज इनपुट करता रहेगा तब तक हमारा कोड जो है वो रन करता रहेगा तब तक हमारा प्रोजेक्ट काम करता रहेगा अगर यूजर ने नेगेटिव वैल्यू डाल दी या फिर यूजर सही भी हो गया तो उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे कि ये था हमारा नंबर जिसे आपको गेस करना था तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूजर को गेस करना है वन से हंड्रेड की रेंज में शुरुआत में उसके बाद अकॉर्डिंगली वो अपने नंबर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं अब इस कोड को रन करके देखते हैं तो हमारे पास प्रॉम्प्ट आया कि गैस करना है हमें नंबर वन से लेकर हंड्रेड मान लेते हैं कि हम गैस कर रहे हैं फिफ्टी तो हमें पता चला कि हमारा नंबर जो है वो थोड़ा छोटा है मतलब योर नंबर इज टू स्मॉल हमें अब कोई बड़ा नंबर गैस करना है तो फिफ्टी से बड़ा हम कर लेते हैं मान लेते हैं सेवेंटी फाइव हमने तो गैस कर लिया हमारा नंबर अभी भी छोटा है तो अब हम गैस करते हैं एटी हमारा नंबर अभी भी छोटा है अब हम गैस करते हैं नाइन्टी फाइव तो हमारा नंबर अब बड़ा हो गया है तो मतलब 80 से 95 की रेंज में कोई नंबर हमें गैस करना है गैस कर लेते हैं नाइन्टी को तो नंबर इज टू लार्ज नाइन्टी इज ऑल्सो टू लार्ज तो हमारा मिनिमम जो था वो था 80 मैक्सिमम इज 90 तो अब इस रेंज में हमें गैस करना है गैस करते हैं एटी तो नंबर इज स्टिल टू लार्ज मतलब एटी से एटी की रेंज में अब एटी इनपुट hmm. करते हैं नंबर इज टू स्मॉल यानी जो हमारा नंबर है वो एटी फोर ही होना चाहिए तो यस yes, हमारा नंबर इज एटी फोर एटी फोर इज द करेक्ट आंसर एंड फाइनली हमें हमारा नंबर प्रिंट होकर मिल गया है एंड हमारा कोड जो है अब एग्जिट कर गया है विद एग्जिट कोड जीरो तो इस तरीके से हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया है जिसमें हम यूजर से नंबर्स गेस करवा सकते हैं इसके अलावा जावा के बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करके हम बहुत अच्छे अच्छे मिनी प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं आगे जाकर और भी अच्छी चीजें हम सीख सकते हैं जावा के अंदर इसमें अगर ऊप्स को एक्सप्लोर करें या फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिजम्स को एक्सप्लोर करें तो काफी सारी चीजें हम सीख सकते हैं इवन कंपेटेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर डिटेल में इस लैंग्वेज को एक्सप्लोर करें तो तो इसी के साथ आज का ये जावा का लेक्चर समाप्त होता है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छा वाला आइडिया हो जाए कि जावा के साथ काम कैसे करने इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट कैसे काम करने अब इसके बाद जाकर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि जावा प्लेसमेंट में यूज़ होने वाली काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है उसके साथ साथ आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो नीचे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर एंड हमारे बाकी वीडियोज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग